घबराइए मत, ड्राइवर ने एक नया हॉर्न लगाया, उसे टेस्ट कर रहा है। ये क्या कह रहे हो, यहाँ पे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं या दूध पीते बच्चे हैं, बंदूक की आवाज क्यों निकाली? जल्दी जाके फोन लगाओ, हमें फौरन ये टूर कैंसिल करना होगा। करना होगा? हाँ हाँ ऐश्वर्या, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। ऐश्वर्या, अरे बाप रे, तू कहाँ जा रहा है? कोई कहीं नहीं जाएगा, अपना अपना सामान बस में रख दो, क्योंकि आज हम ये टूर कैंसिल कर रहे हैं। सर, ऐश्वर्या के पीछे जब सलमान और विवेक पड़े हुए थे तो ऐश्वर्या प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। ये अपन को डालिंग है, कोई बीच पे नहीं आएगा, अगर कोई बीच पे आया तो उसका यहीं मैं रेप कर दूंगा। ऐसा मत करना, अगर ऐसा नहीं किया तो कोई और तुझे उठा ले जाएगा। बोल, मानती है या नहीं? अरे भीड़ छोड़ो भी, इसे मैं ले जाता हूँ। ऐश्वर्या तू मेरी बात मान ले, नहीं तो सलमान और विवेक जो करेंगे वही मैं भी करूँगा। इस तरह से गुंडे ने बीच में आके कहा तो ऐश्वर्या के अंकल फ्लाइट से उतर के नीचे आया, सब उसे देख रहे थे। ऐश्वर्या को बचाने के लिए वो आगे आया। अब अगर मैंने तुम्हें उठाया तो मेरा बैग नीचे पड़ा हुआ है, उसे कौन उठाएगा? मेरा बैग तुम उठा लो। प्रिंसिपल साहब को गोद में क्यों डाल रखा है? टेंशन दूर करने के लिए ऐसा किया। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको सच्चाई समझाने के लिए इस गांव की सीमा पे ले जाना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। वहाँ पे 16वीं शताब्दी के बहुत सारे शिल्पी हैं और 18वीं शताब्दी के बहुत सारे शिल्पी हैं, दोनों की कला आपस में बहुत मेल खाती है। सर, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स मूर्तियों की खोज में आए हैं, मेरी किस्मत चमकने वाली है। ये मछली के कांटा इतने भारी क्यों है? गुरुजी, तुम्हारी पर्सनालिटी का जवाब नहीं, सच कह, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग अलग दास्तां बयान करता है। तुम भले ही टिड्डी पहलवान हो लेकिन दिखने में शाहरुख खान जैसे लगते हो। अरे चुपचाप मछली पकड़, ये मस्का लगाना बंद कर। तुम तो ब्राह्मण हो ना? हाँ तो क्या हुआ, इसीलिए मछली नहीं आ रही है? अरे चुप कर, मुझे मछली पकड़ना आता है। तो अभी तक कोई फंसी क्यों नहीं? हाँ बात तो सही है। अल्लाह आज मुझे बहुत सारी मछलियाँ दे देना, मैं आज मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, अल्लाह के नाम से मुझे मछलियाँ मिल जाएंगी। मंत्र मंत्र को जप रहा है, देखते फंसती है नहीं। आज तक जो कुछ भी मैं मांगता आया हूँ मुझे मिलता है, आज भी मुझे मिल जाएगा। जाओ मछली, जाओ मछली, जाओ जाओ मछली। ये क्या, इतने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। अरे सुनो मस्तान भैया, तुम कौन सा मंत्र पढ़ के मछली पकड़ रहे हो? ये यमुना नदी की मछली है, इसकी तुम बहुत फड़फड़ाती है। आओ कह के बुलाओ तो जाती है, जाओ कह के बुलाओ तो आती है, इसलिए मैंने जाओ बोला तो सीधे मेरे हाथ में आ गई, और अब मैं इसको बैग में रख रहा हूँ। मैं भी मंत्र बोलता हूँ, आओ। आओ नहीं चली जाएगी, जाओ कह के बुलाओ। अच्छा जाओ जाओ। ये क्या, ये कौन से जात की मछली है? ये मछली नहीं है, दुनिया में अगर कोई इंसान बन के पैदा हुआ है तो इसे मेंढक बुलाएगा। तो फिर मैं कौन हूँ? जब आप खुद नहीं जानते कि आप कौन है तो मैं कैसे बता सकता हूँ भैया? ये देखिए, इस गांव की ये परंपरा है, इस गांव में अगर कहीं चोरी हो गई हो तो वो चोरी किसने की है जानने के लिए इंतजाम किए गए हैं। चावल के दाने इसमें डालते हैं, जिसके नाम पर वो दोनों लकड़ियाँ जुड़ जाएंगी वही चोर होता है। लेकिन ये दोनों लकड़ियाँ कब मिलेंगी? अरे इंतजार कर मिलेंगी, बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज। यहाँ पे किसका नाम लेंगे? इस गांव में रहने वाले सब लोगों का नाम लेंगे। अरे बाप रे, अगर उसने कहीं मेरा नाम ले लिया तो? तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम इस गाँव के रहवासी थोड़ी हो। अच्छा, वो नाम पुकारेगा कौन? है इस गाँव की एक भक्तिवान लड़की, वही सब करेगी। माता, अपनी शक्ति को दिखाकर जो चोर है उसको सामने ला। कमला का सोने का मंगलसूत्र क्या विजेंद्र ने चुराया है? विजेंद्र ने चुराया है, विजेंद्र ने चुराया है, मेरे बाबा रामचंद्र जी ने चुराया है, रामचंद्र जी ने चुराया है, रामचंद्र जी ने चुराया है, गोकुलदास ने चुराया है, गोकुलदास ने चुराया है, गोकुलदास ने चुराया है, भूपेंद्र ने चुराया है, भूपेंद्र ने चुराया है, मस्तान साहब ने चुराया है, मस्तान साहब ने चुराया है, लालू चितंबर ने चुराया है। अरे बाबा, मैंने नहीं चुराया। अरे ये क्या, मैं बताता हूँ, तू है कालू चिदम्बर लाल, उसने बुलाया लालू चिदम्बर लाल जो उसका पड़ोसी है। यानी मैं नहीं हूँ? चोरी तूने की है? वैसे तो मैंने कोई चोरी नहीं की है। तू लालू चिदम्बर लाल नहीं है, तू टेंशन चिदम्बर लाल है। मंगल ने चुराया है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। अबे ये सरासर झूठ है, मैं नहीं मानूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया।
क्यों बेटी, ये सब क्या है? मंदिर के सामने खड़ी रहकर अन्याय कर रही हो। जानती हो कैसा है? छोटा मोटा रोजगार चला के अपना गुजारा करता है, वो भला ये चोरी क्यों करेगा? रेल की पटरी के नट बोल्ट निकाल के रेल चलाएंगे तो रेल भी गिर जाएगी, और तुम इन बच्चों को रख के दोनों लकड़ियों को मिला के चोर कौन साबित कर दोगी? तुम्हारी ये पूजा मैं नहीं मानूंगा। देवी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। क्या? वो मंगलसूत्र इसी गांव में किसी न किसी के पास होगा। वो किसके पास है देवी माँ अभी बता देगी। बोल माते, वो अभी किसके पास है? वो मंगल वो सोने का मंगलसूत्र मुझे दे गया है। क्यों भैया, ये कौन है? दुनिया में जो भी इंसान बन के पैदा हुआ है वो इसे चोरी बोलेगा। ये लो, मेरे को मंगल नहीं आ रहा। ठीक से देख लो। माफ कर देना देवी, माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैंने गाना गाया तो तुम सब लोग आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैं उदित नारायण और कुमार शानू को भी पीछे छोड़ दूंगा। इतना सॉलिड गाता हूँ मैं, जब मेरा राग निकलेगा और ताल बजेगी गोल गोल फूल निकलेंगे। सब लोग चुप हो जाओ, मैं गाने वाला हूँ। खीर खाओगी बिल्लो हलवा खाओगी, खीर खाओगी बिल्लो हलवा खाओगी। खीर खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं तो हलवा खाऊंगी। खीर खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं तो हलवा खाऊंगी। अब बीच जाओगी बिल्लो सिनेमा जाओगी, बीच जाओगी बिल्लो सिनेमा जाओगी। हाँ, बीच में तो पब्लिक होगी सिनेमा जाऊंगी, मैं तो सिनेमा जाऊंगी। बीच में तो पब्लिक होगी सिनेमा जाऊंगी, मैं तो सिनेमा जाऊंगी। टैक्सी में जाओगी या फिर बस में जाओगी? बस में होगी भीड़ में, टैक्सी में जाऊंगी, मैं तो टैक्सी में जाऊंगी। बस में होगी भीड़ में, टैक्सी में जाऊंगी, मैं तो टैक्सी में जाऊंगी। अरे ये तो कहो, अमेरिका जाओगी या फिर ऊटी जाओगी? अमेरिका में लैडर होगा, ऊटी जाऊंगी, वहाँ पे प्यार जताऊंगी। अमेरिका में लैडर होगा, ऊटी जाऊंगी, वहाँ पे प्यार जताऊंगी। अच्छा ये तो बताओ, पैसे चाहोगी या फिर जेवर चाहोगी? पैसे लेकर क्या करूंगी, जेवर ले आना, मैं खुद को सजाऊंगी। पैसे लेकर क्या करूंगी, जेवर ले आना, मैं खुद को सजाऊंगी। सीएम बनेगा या फिर एचएम बनेगा? सीएम तो है 5 साल का, एचएम बनूंगा हेड मास्टर बनूंगा। सीएम तो है 5 साल का, एचएम बनूंगा हेड मास्टर बनूंगा। मैंगो खाओगे या मिठाई खाओगे? मैंगो ना मिठाई, मैं तो चुम्मा चाहूंगा, तेरा चुम्मा चाहूंगा। मैंगो ना मिठाई, मैं तो चुम्मा चाहूंगा, तेरा चुम्मा चाहूंगा। में तो कुछ नहीं होगा, नाइटी में आजा, हम रोमांस करेंगे। जींस में तो कुछ नहीं होगा, नाइटी में आजा, हम रोमांस करेंगे। मछली खाओगे या फिर कुकड़ खाओगे? मछली से तो बात आएगी, कुकड़ खाऊंगा उसकी टांग खाऊंगा। मछली से तो बात आएगी, कुकड़ खाऊंगा उसकी टांग खाऊंगा। फर्स्ट प्लेटोगे
फर्श पे पीठ दुखेगी पलंग पे लेटूंगा तेरे साथ में सोऊंगा। फर्श पे पीठ दुखेगी पलंग पे लेटूंगा तेरे साथ में सोऊंगा। ब्रांडी पियोगे या फिर दूध पियोगे? ब्रांडी से तो सो जाऊंगा दूध पीऊंगा मैं तो दूध पीऊंगा। ब्रांडी से तो सो जाऊंगा दूध पीऊंगा मैं तो दूध पीऊंगा। तो शोर करेंगे तू ही आ जाना बिल्लो तू ही आ जाना। बच्चे तो शोर करेंगे तू ही आ जाना बिल्लो तू ही आ जाना। हाय हाय ओ तुम काले हाय हाय ओ तुम काले हाय हाय ओ तुम काले हाय हाय ओ तुम काले। उस कॉलेज के लड़कों को उल्लू बनाने का ये सही मौका है। इस गांव की नकली शराब को असली शराब समझ के वो लोग मुझे खूब पैसा दे रहे हैं। अगर मैं किसी औरत को मूर्ति बनाकर उन्हें बेच दूं तो 10-20 हजार रुपए मिल जाएंगे। मैं फैक्ट्री जा रही हूं। तुझे एक मूर्ति बनाकर मैं उन कॉलेज के लड़कों को बेच दूंगा। अरे बाप रे, कहीं मुझे असली मूर्ति समझ के साथ ले गए तो चली जाना। डर नहीं, उन लोगों से पैसा लेने के बाद तुझे ट्रांसपोर्ट में पैक करके बेच दूंगा ऐसा कह दूंगा। उसके बाद रास्ते में लोगों ने मूर्ति तोड़ दी बोल के उन लोगों से झूठ बोल दूंगा और मैं तुझे घर वापस ले आऊंगा। सुनो, तुम्हें जो करना है कर लो, पर साइरन बजते मैं चली जाऊंगी। चींटी काटे तो भी हिलना मत, सांप काटे तो भी हिलना मत, बिच्छू काटे तो भी हिलना मत, लेकिन जब साइरन बजे तो थोड़ा हिले ना, लेकिन उस वक्त तक हिले बगैर खड़ा रहना होगा। मान जाओ ना, आजा मेरी मूर्ति, आजा मेरी रानी। ये क्या है? थोड़ा कीचड़ थोड़ा गोबर मिला के तेरे लिए बना के रखा है। आजा मेरी मूर्ति, अबरा का डबरा, डबरा का अबरा, अबरा का डबरा, डबरा का अबरा, अबरा का डबरा। ये क्या, जैसा हमने सोचा था वैसा यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। टेंशन के मारे मेरा तो मैं बहुत बड़ा शिल्पी जक्कन्ना शिल्पी हूँ। अभी अभी मैंने एक मूर्ति बनाई है, बहुत ही सुंदर है। तुम देखोगे तो दिल मचल जाएगा। वाकई मेरा दिल मचल रहा है, जल्दी से मुझे मूर्ति दिखाओ। आओ, यही है वो जक्कन्ना की मूर्ति। इसकी एक्सपायरी डेट 200 साल की है। इसकी कीमत भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, 20 हजार रुपए दोगे तो भी चलेगा। लेकिन यह है क्या, इस दुनिया में जो भी इंसान बन के पैदा होगा वो इसे मूर्ति बोलेगा। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो गीली है। ये अमावस की रात की मूर्ति नहीं है, ये पूर्णिमा की रात की मूर्ति है। थोड़ी सी गीली गीली थोड़ी सी ठंडी रहेगी, कभी सूखी नहीं रहेगी। मूर्ति तो बड़ी सुंदर है, जीती जागती लगती है, जैसे अभी कुछ बोल उठेगी। गाल भी कितने उभरे हुए। अरे बाप रे, ये मूर्ति तो मारती है। मूर्ति ने तुझे नहीं मारा, क्या तू मूर्ति से टकराया? ये क्या, मूर्ति तो पलक झपक रही है। सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, जल्दी पैसे दे नहीं तो साइरन बज जाएगा। साइरन यानी? साइरन नहीं, आयरन। आप जल्दी पैसे दे देंगे तो मैं इस मूर्ति को उठाकर संदूक में बंद करके पार्सल कर दूंगा, जल्दी पैसे दो। साइरन बज गया, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पता नहीं आज क्या होगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इस मनहूस साइरन को अभी बजना था, मेरे 20 हजार रुपए चले गए। मस्तान भैया, इस तरह तुम्हें झूठ मूर्ति मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? उल्टा सीधा बोलकर लोगों को उल्लू बनाना गलत बात नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, सब रोटी खाने के लिए करना पड़ता है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, पर गलत काम करके एक निवाला खाना भी पाप है। अगर गलत काम नहीं करेंगे तो आधी प्लेट बिरयानी भी नहीं मिलेगी। क्यों, तेरे भगवान के सामने नारियल तोड़ते हैं, कद्दू फोड़ते हैं, वो उल्टे सीधे काम नहीं है क्या? तुमसे सवाल पूछ रही मैं, वो देवी माँ नहीं। क्यों पूछ रही, तेरे भगवान को पूछ लेते, जवाब दूंगा। अगर दोबारा किसी को तुमने उल्लू बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई क्या कर लेगी, मेरी चपाती बनाएगी चपाती। मूर्ति कहाँ भाग के चली गई? मूर्ति भागी की नहीं भागी, लेकिन वो औरत भाग गई। तुम्हारी बीवी मूर्ति है क्या? बीवी मूर्ति नहीं है, मूर्ति मेरी बीवी है। तो फिर भाग क्यों गई? साइरन बजते ही वो भाग गई। तो क्या साइरन तुम्हारी बीवी है? साइरन मेरी बीवी नहीं है रे, मेरी बीवी वो मूर्ति, साइरन बजा भाग गई। अरे सारी कहानी तुझे सुना दी है, फिर से मत पूछना, अब मुझ में बताने की ताकत नहीं है। ओहो, तो फिर वो मूर्ति यहाँ पे, ये क्या है, व्हाट इज दिस? इस दुनिया में जो भी इंसान बन के पैदा हुआ है वो इसे मंदिर बोलेगा। रास्ते में रुकावट है ना, इसे निकाल दीजिए। नहीं, ये बहुत पौराणिक मंदिर है, इसे तोड़ना महापाप होगा। नो 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 नो, ये सरकारी ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। देख माते, ये लोग तेरा मंदिर तोड़ने के लिए आए हैं, गांव की तरक्की करने के लिए, तुम्हें घर से बेघर करना चाहते हैं।
देखिए सर, आप लोग चुप रहिए। तुम कुछ मत बोलो। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। अब कोई कुछ मत बोलो। तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगी। देखो बहन, सरकारी मामले में टांग अड़ाओगी तो तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। मुझे कुछ भी करो, कोई बात नहीं, मैं मर भी जाऊँ कोई बात नहीं। सर, सारे लड़के गुफा में मूर्तियाँ देखने गए, आ गए तो लफड़ा होगा। आप बंदूक वाली पुलिस को बुला लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक रास्ता है, चलो बताता हूँ। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मंदिर को लेके क्या हंगामा okay, हो रहा है? ओके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट को छोड़ के नगद नारायण की बात नो 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 नो, यहाँ रोड की प्रॉब्लम हमारी है, टेंपल प्रॉब्लम तुम्हारी है। तुम जिस देवी की पूजा करते हो, अगर वो शक्तिशाली है तो हमें वो साबित करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारे इस टेंपल को तोड़ के यहाँ पर रोड बना देंगे। इज इट ओके? साबित कैसे करेंगे? हम साबित करके दिखाएंगे। ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। इसके बदले मैं बोलता हूँ, सारी दुनिया को बोलता हूँ, आज आधी रात को ठीक 12 बजे मंदिर के गोबर का कलश हवा में लहराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंदिर तोड़ देना। सुनो, ये क्या पागलपन कर रहे हो? साबित कर देंगे भैया, साबित कर देंगे। लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो अपनी शक्ति जरूर दिखाएगी। आज रात ठीक 12 बजे देवी माँ के गोबर का कलश हवा में लहराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अरे बाप रे, कहीं जबरदस्ती शर्त तो नहीं रख दी? तुम चिंता मत करो बेटी, ये देवयुग नहीं है, देवता गणों को ललकारने वाला कलयुग है। ये कोई धर्म युद्ध नहीं है बेटी, कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। समझ गए जी, आप लोग कितनी देर इंतजार करेंगे? जाइए ना यहाँ से, सुबह बुलडोजर मंगवा के मंदिर को जल्द से उखाड़ दीजिए। इतनी देर तक वेट किया, 10 मिनट और वेट कर लेते हैं। के? ये लोग कभी नहीं सुनेंगे। एक बात तो बता, यहाँ से लहराएगा, वहाँ से लहराएगा या यहाँ से लहराएगा? अरे 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 अरे, अपना मुंह तो बंद कीजिए ना। क्षमा कर दे, मैं अधिकार के घमंड में खो गया था, तुमने मेरी आंखें खोल दी माते। अब हम यहाँ कोई सड़क नहीं बनाएंगे। मुझे भूल हो गई, क्षमा कर दो माँ। मुझे माफ कर दो बेटी, देवी माँ से मैंने क्षमा मांग ली है। तुम्हारे कारण आज मुझे भी माता की लीला के दर्शन हो गए। हमारी सरकार या हमारे महकमे का कोई भी इंसान इस तरफ नहीं फटकेगा। अच्छा तो हम चलते हैं बेटी। विजय, इनका अंधविश्वास देखा? मूर्खों जैसी बातें करते हैं ये लोग। मूर्तियों का मंदिर से निकलकर बाहर घूमना फिरना, गोपुर का कलश उठना, ये सब किताबी कहानी है। तुम आत्महत्या करने वाली थी इसलिए गोपुर का कलश मैंने ही उठा लिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुमने आत्महत्या कर ली होती। देवी देवता पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन उस विश्वास के लिए प्राण त्यागना मूर्खता होगी। अब ऐसी पागलपन की बात कभी मत करना। अरे वाह, तो ये बात है, अपने लवर को ऊपर भेज के कलश को उठा के हम लोगों को उल्लू बना रही है। देख मैं क्या करता हूँ, पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा। अरे ऑफिसर इधर आओ, इस लड़की ने हम सबको धोखा दिया, जल्दी आओ। Oh,
ये क्या तुम नमाज पढ़ रही हो? रात को जो हो वो देखकर मस्तान भाई बेहोश हो गए, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे। वो ठीक हो जाए उसके लिए मैं नमाज पढ़ रही हूँ। उसके लिए तो माता की पूजा करनी चाहिए, वो छोड़ के नमाज क्यों पढ़ रही हो? जिस भगवान पर इनका विश्वास है उसी भगवान की प्रार्थना करने पर इन्हें हिम्मत व सांत्वना मिलेगी, इसीलिए अल्लाह से प्रार्थना कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। कैसी बात है? जो बात है वो सही है या गलत इसका फैसला करके ठंडे दिमाग से सोच के मुझे जवाब देना, इसीलिए आया हूँ। ऐसा क्या है, साफ साफ बताइए। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी राय क्या है? वो मेरे बारे में जो भी फैसला होता है वो बाबा लेते हैं। बेटी विजया, बेटे विजया इस गांव की बेटी है, देवी की भक्तन है। छोटे बड़े कामों के लिए गांव गांव जाकर उस देवी के गुणगान करती है ये विजया बेटी, इसलिए इसके बारे में जो फैसला लेना होता है वो स्वयं देवी लेती है। वैसे तुमने जो फैसला लिया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल तुम देवी माँ के मंदिर आ जाओ, अपने मन की बात देवी से बोलकर देवी माँ के मंदिर का घंटा एक बार बजाना। अगर वो अपने आप 3 बार बज जाए तो समझना देवी माँ को मंजूर है। घंटा एक बार बजाने से 3 बार बजना चाहिए, बजेगा क्या? कहीं घंटा 2 बार बजा तो, या एक ही बार? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। चुप रहो ना, शुभ कार्य के टाइम में अशुभ बात कर रहे हो, 3 बार कैसे नहीं बजेगा हम भी देखते हैं। मेरी प्रार्थना बेकार न जाए, मेरी शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो माँ। अरे अरे वाह, लगता है आसमान में होली का त्योहार है, कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। सूरज को जैसे लोहार की भट्टी में से निकाला हो उस तरह से लाल लाल लड्डू की तरह दिखाई दे रहा है। कल मैंने बर्तन वाले का खून करवाया था ना, लगता है उसी का खून उड़कर आसमान में चारों तरफ छा गया है। शाबाश। क्या बात है, ये ढोल क्यों पीट रहा है? अरे वही तो, कभी भावुकता में आकर किसी दूसरे आदमी को मारने के बजाय तू जैसों को मार दिया तो, इसलिए कंप्यूटर की तरह कंट्रोल करता है। मैं रुक गया, तू भी रुक जा। हाय पिताजी, आज हम कौन सी पिक्चर देखने जाने वाले हैं? हाँ हाँ जरूर जाएंगे, भूमि पे चक्रवात इसी की वजह से आ रहे हैं। सर तुम्हारी बेटी इधर उधर बहुत घूमती है। अरे वाह, इधर उधर घूमने से मेरा वो मतलब नहीं था सर, बहुत जोर जोर से चक्कर मार रही है ये मतलब था। ये बात मार खाने से पहले बतानी चाहिए थी, जब ये पेट में थी तब इसकी माँ ने उड़न तस्त्री देख ली, इसलिए ये घूमती रहती है, यानी यहाँ वहाँ मुंह मारती है। अरे 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 रुक जा, ये गोल गोल घूमना बाद में कर लेना, कल विवेक आ रहा है उसे अपने पीछे घुमाना। सर मैं आपसे एक बात पूछी तो फिर से नहीं मारोगे ना? वो तो तेरी बात पर निर्भर करेगा भैया। आपका तो मर्डर करने वाली फैमिली से ताल्लुक है, तो अपनी बेटी की किसी भयंकर खूनी के साथ शादी करानी चाहिए ना। जा जा के एक व्यापारी के बेटे के साथ शादी करा रहा है। अरे तू हीरो की तरह सोचता है, मैं विलन की तरह सोचता हूँ। विवेक का परदादा पारंपरिक जमींदार था, ये ले उसकी बियर फैक्ट्री, वूल फैक्ट्री और आधा गांव उसका है, और उसके परपोते से जो लड़की शादी करेगी उससे ही वो जायदाद मिलेगी। बिल में ऐसा लिख करके वो मर गया था, उससे ही ये शादी करेगी तो जायदाद पूरी हमारी हो जाएगी और मेरी पूरी काली करतूतें बियर फैक्ट्री में बदली करेंगे। शाबाश बेटी ऐश्वर्या, विवेक आ रहा है, जल्दी से मंगनी के लिए तैयार हो जाओ। अरे बाप रे, इस पतीले में तो बहुत बड़े छेद है। अरे जरा इधर भी देख ले। अरे बाप रे, इतना बड़ा पीतल का कलश कहाँ से मिल गया? सुन, तू चाहे किसी भी सामान के लिए कुछ भी बोल ले पर पीतल के सामान के लिए कुछ मत बोलना। क्यों? क्योंकि 3 दिन बड़े बड़े व्यापारी पीतल के बर्तन को पाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अरे वाह भवानी बाबू और मेरी मुंह बोली बहन,
बंटे में कोई छेद है तो उसमें रांगा भरने के लिए बाद में सोचेंगे, पहले जिंदगी के छेद बंद करो। ऐश्वर्या बेटी आ जा, आ जा। रुक जा बेटी, रुक जा। ये गिरवी के धंधे में मुझे महारत हासिल है भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे छोटे से धंधे को आज मैंने इतना फैला दिया है, और उसी हक से आपके बेटे से मेरी बेटी की मंगनी करके टांका भिड़ाने के लिए मुहूर्त निकाल कर आया। विवेक मानेगा क्या? कौन जाने? तुम नहीं मानेगा, उसे मनाना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, नहीं तो चमकाना पड़ेगा। मैं रुक गया, तू भी रुक जा। मुझे इमोशन में मोशन आ जाता है, ये तुम लोग जानते हो ना। लाजन हो तो मुझे फोन देना, बुस हो तो मना कर देना। सुनो बेटी, आज राहु काल में तू जिससे भी टकराएगी, फूल मत खाना, कचौरी खरीद के दूंगा, उसी से तेरा टांका भिड़ जाएगा। ऐसा तेरे परदादा झुमरी बाबा ने जो कुंडली लिखवाई उसमें है, वैसे ही राहु काल में विवेक पहुंचने वाला है। वो देखो आ भी गया, अमेरिकन मिसाइल की तरह जाके सही निशाना मार दे। बात मत करो, वहां देखो निशाना चूक गया, गलत इंसान से टकरा गई। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया। अरे अरे अरे, ये गाना छोड़। अरे अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे, जरा सा निशाना क्या चूक गया, ये गले पड़ गए। अरे अरे छोड़ दे, अरे गाना बंद कर, अरे छोड़ दे, तू चल बेटी। पिताजी कल हमें नागलपुर जाना होगा। वहीं से तो तू आ रहा है। विवेक, मैं मंगनी का सामान लेकर आ गया। ये क्या, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अरे भैया, मैं तो आसमान में उड़ते हुए पंछी के पर गिन सकता हूँ, क्या तुम्हारा मन नहीं जान सकता। पिताजी, नागलपुर में मैंने एक लड़की को देखा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपको सगाई की रस्म के लिए बुलाने आया हूँ। वो लोग दहेज कितना देंगे? शादी का खर्च भी हमें उठाना है। तू भूल रहा है कि हम माता पिता तेरे लिए बड़े हैं। अपने लड़के के लिए आप बड़े होंगे, लेकिन अपनी शादी के लिए मैं बड़ा हूँ। देख लिया, लव सिनेमा देख देख के बर्बाद हो गया है। पता नहीं डायरेक्टर माता पिता की पिक्चर क्यों नहीं बनाते। बनाएंगे तो नहीं चलेंगी। हाँ? वैसी फिल्में तुम भी नहीं देखोगे। तुमने देखा भैया, वो क्या बोल के जा रहा है। लव स्टोरी क्लाइमैक्स हमेशा विलन के हाथ से पूरा होता है। अब बाकी काम विलन देख लेगा। क्या बात है, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो। विलन को हंसना पड़ता है ना, इसीलिए। अच्छा, मेरी शक्ति कहाँ गई? मेरी शक्ति आ जा। अपना मुंह बंद कर, अपना मुंह बंद कर। तू भी अपना मुंह बंद कर, बंद कर, हंसना बंद कर। अभी आया। कोई आत्मा नहीं आई है रे, किसी भी एक्सीडेंट में मरने वाले की कोई भी आत्मा अभी तक नहीं आई है रे। क्यों नहीं आई रे? वो आ जाएगी, बस पहुंचने वाली है। रमेश, तेरे एग्रीमेंट के हिसाब से गंगाराम मर गया है, उसकी आत्मा भी आ गई है। आधे घंटे के अंदर एक और आत्मा को भेज दे, नहीं तो तेरी आत्मा को यहाँ बुला लूंगा। ओम। अरे अरे, ये हंस क्यों रहे हैं? दे 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 दे। तांत्रिक तो ध्यान में बैठा हुआ है, क्या लुक है। मैं फिल्म बनाऊंगा तो तांत्रिक को ढूंढने की जरूरत नहीं। अरे दरअसल, अरे यहाँ बैठने के लिए ना कुर्सी है ना पत्थर है, नीचे बैठ जाता हूँ। अरे ये गमछा क्यों उठा के ले जा रहा है? अरे ये आवाजें कैसी है? अरे ओम रीम क्लीम स्वाहा। अरे अरे, ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तुम्हारी तरह चुपके से वार करने वाला विलन नहीं हूँ,
दिन दहाड़े 12 बजे पदवी ग्रहण करने के 3 मिनट बाद सबकी आंखों के सामने मंत्री को उड़ा दिया। मैं रुक गया, तू भी रुक गया। ओम रीम क्लीम स्वाहा। अरे मेरे आने के बाद भी यज्ञ कर रहा है। ओम रीम क्लीम। इंसानियत के नाते किसी भी मेहमान की आवभगत होनी चाहिए। इन भूतों को थोड़ा विश्राम देके मेरे साथ कम से कम 2 बातें कर ले। ए चिरकुट, मंत्रोच्चारण के बीच यदि कुछ बोला तो यही तुझे भस्म कर डालूंगा। किस लिए आया? मैं अपने पर्सनल काम से आया था। कैसा काम है? मेरी बेटी से शादी करने वाला किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। वो लड़की मरनी चाहिए या बचनी चाहिए तेरे हिसाब से? वो शादी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से? उसके लिए तेरा हिसाब क्या है बता दे। हरोला लंबा डाकिनी पिशाचिनी भूत प्रेत विकृत शक्तिनी, मेरे रक्त को स्वीकार करके देवता गण को ललकार के मेरी शक्ति को बढ़ाने वाली शक्ति है ये। महाशक्ति को भी मात देती है ये। इसलिए यहाँ किराए के गुंडे की बात मत करना, जबान से गुंडे की बात भी मत निकालना। पापा पापा, तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? जब मैं गली का गुंडा था तब तू एक मदारी था, तब से हमारी दोस्ती है। उस दोस्ती के नाते कह रहा हूँ शादी रुकवा दे बाबा, तांत्रिक बाबा रुकवा दे। ठीक है, कल अमावस की अंधेरी रात में शमशान में मैं जो यज्ञ करने वाला हूँ उसमें मुझे 3 युवाओं की आत्मा चाहिए। तू जिस कन्या को मौत के घाट उतारने की बात मुझसे कर रहा है उसे मैं 7 दिनों के अंदर मार के अगर मैं उसकी आत्मा को अपने वश में कर लाया तो तेरे यहाँ शादी भी मैं ही करवा के दूंगा। वो तो ठीक है, वर्कर्स ज्यादा हो गए हैं, निकाल नहीं सकते, यूनियन प्रॉब्लम है। तेरे हिसाब से मैं करूंगा तो ऐसे करूंगा सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है तांत्रिक भैया, तेरा काम मैं करूंगा लेकिन मेरा काम करना तू मत भूलना। नई नई आत्माएं आने वाली है। नई नई होंगी वो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। स्वाहा। सुस्वागतम स्वामी जी। ये लोग कौन है? यादगिरी में रहते हैं छोटे स्वामी और यह है बड़े स्वामी। ये क्या इतनी छोटी उम्र में स्वामी? अच्छा यहाँ कैसे आना हुआ? यादगिरी महर्षि किसी के घर नहीं जाते हैं, सब लोग उनके पास ही जाकर आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे घर आए ये हमारी खुशकिस्मती है। नहीं, बदकिस्मती है। बदकिस्मती स्वामी? जी हाँ, आपके ही पूर्वजों का कोई वंशज यादगिरी के नाम से कोई भक्त रहे हैं। उन्होंने हवन भी किए, यज्ञ भी किए, आराधना भी की, साथ में तपस्या भी की। इसीलिए उन स्वामी का सुदर्शन चक्र आपके घर में जो भी कष्ट आए उसकी रक्षा करता है। अब आपके घर में दूरदृष्टि ने प्रवेश किया है, उसी के लिए मैं आया हूँ। सृष्टि धर्म अधर्म से रक्षा करता है, विकृति को लुप्त करता है। प्रेत आत्माओं ने इस घर की शांति भंग करने के लिए बुरी तरह वश में कर लिया है, इसीलिए मैं आया हूँ। क्या हुआ? अभी तक तो आपकी कुंडली में कोई भी पीड़ा नहीं थी, लेकिन कल से आपके जीवन में पाप ग्रह बुरी तरह आवी हो गया है। मृत्यु विन्यास बहुत प्रबल है। अलग अलग दुष्ट आत्माएं तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए समीप आ पहुंची हैं। स्वामी के श्री चक्र अनुसार आपकी कुंडली में यमगंड के दिन है। तत्काल हानि के लिए राहु का हावी होने वाला दिन है ये 2 तारीख। मृत्यु के लिए जो केतु भ्रमण कर रहा है वो है आषाढ़ महीने की 6 तारीख। किसी दोष के लिए मकर ग्रह लग्न में आकर जो बाधा पहुंचाता है वो है ये 8 तारीख। अन्य ग्रहों से सम्मिलित होकर जो एक राशि में बदलता है वो है महाकेतु अमावस की 11 तारीख। इन सब के बाद जो तारीख है वो बहुत कठिन होगी। कर्ण विकृत नक्षत्र अनुसार यमगंड को बल प्रदान करने वाला, प्रेत आत्माओं की इच्छाओं के अनुसार आयु को अर्ध आयु में बदलने वाला, मृत्यु के समीप ले जाने वाली ये 13 तारीख है।
आप जिस लड़की को चाहते हैं, हर समय वो लड़की आपके पास ही रहे उसके लिए। दुष्ट शक्तियों को वश करके हमारे पवन पुत्र हनुमान जी ने आपका विवाह शुभमय हो उसके लिए जयगंड का आशीर्वाद दिया है। इस गंड को अपनी दृष्टि में बसाकर देवों पर विश्वास करके सावधान रहना होगा। और आज 2 तारीख है, आपके लिए पहला गंड, याद रखिएगा। भक्ति पर विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वासी भी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य जब इस तरह के बातें करता है तो उसे पूर्ण विश्वास नहीं होता, पर सावधान रहना। इस बात के लिए किसी और दिन आना, तुम्हारे इन गेरुआ कपड़ों के बदले नए कपड़े मंगा के रखूंगा। माँ जाने का समय हो गया है, जल्दी चलो ना। ये क्या कह रहे हो, आज 2 तारीख है, तुम्हारे लिए गंड है, आज कहीं नहीं जाना, स्वामी जी ने कहा है ना। हाँ विवेक बेटे, ये कार्य हम किसी और दिन करेंगे। आप लोग जल्दी से कपड़े बदलो, ए चल। ये क्यों ऐसा बोल रहा है? मनुष्य केवल इतना ही सोच सकता है, पर भगवान मनुष्य से अधिक सोचते हैं। आइए आइए मस्तान, तुम यहीं पर रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, बैठिए। यहाँ का सामान वगैरह देख के लगता है जैसे इनकी कोई कमाई वमाई नहीं है। यहाँ गांव में शहर के जैसी कमाई नहीं है, आप समझ लीजिए। अरे मंदिर में भगवान के सामने दीप जला के जो कमाई होती है बस वही। बाप रे बाप, इस घर में आकर तो ऐसा लग रहा जैसे बदन टूट रहा हो। थोड़ा जालिम लोशन का मसाज कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ये वैसा दर्द नहीं है, सीने में दर्द हो रहा है। तब तो आपका ईसीजी निकालना पड़ेगा मैडम। बहना रिश्ता पसंद नहीं तो झिझको नहीं, फट से ना करके झट से निकल लो। मैं किसी अड़चन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमदर्दी के नाते बोल रहा हूँ। ऐसी अड़चने आपके शहर में आती होंगी साहब, ऐसी अड़चनों को हमारे गाँव के साथ नोच डालते। अरे ठीक है, मना करके चले। सुनो, अगर यहाँ से जाने की किसी ने भी कोई भी आनाकानी की, यहाँ तक कि आपने भी, अब अगर किसी ने कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सही कहा आपने। हेलो, ये लोग कौन है जानते हैं ना? कहो तो किसी विलन को बुलाऊं। विलन को बुलाने की जरूरत नहीं, कहानी में जहाँ ट्विस्ट की जरूरत होती है वहाँ अपने आप आ जाता है। उस तांत्रिक ने तो मुझे काम हो जाएगा ऐसा बोला था, यहाँ मंगनी रोकने की कोई व्यवस्था उसने की भी या नहीं? आसार दिख रहे हैं। ये तो अनर्थ हो गया। अशुभ अशुभ, ये क्या हो रहा है? अरे अंदर शुभ कार्य चल रहा है, यहाँ अशुभ कार्य चल रहा है। चलो चलो तुम सब लोग अंदर चलो। हेलो, अरे वो तांत्रिक तो भले ही थोड़ी देर से पहुंचा, लेकिन यहाँ ऐसा असर हुआ कि अंदर फाइनर बैग बाहर विंड इफेक्ट। ओहो, पट 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 पट, हॉलीवुड की ग्राफिक भी तेरे सामने बहुत पीकी है। जो मैं करने वाला था वो किसने किया? किसने किया? कौन है तू? कौन है? कौन सी शक्ति है? कैसी शक्ति है? इतना होने के बाद भी यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? चलो चलो रुक जा। कहाँ निकल पड़े तुम लोग? अरे रे, क्या तुम कोई देवी का अवतार हो? मैं कौन हूँ ध्यान से देखो, पहचाना नहीं तुमने? अरे अच्छा, जिस काम के लिए आए थे वो छोड़ के वापस क्यों जा रहे हो तुम लोग? मुहूर्त थोड़ा इधर उधर होकर अशुभ हो गया, इसलिए जा रहे हैं। मुहूर्त का जो समय चुना है वो बहुत ही शुभ है, यहाँ किसी के पांव पाप से भरे हुए हैं। नवमी से दशमी का मुहूर्त है ये, नवमी के मुहूर्त में तुम्हारे पांव क्यों डगमगा रहे हैं? अरे रे, बवंडर थम गया है, दशमी शुरू हो गई, अब चलिए। लेकिन तुम हो कौन? आखिर कौन हो तुम? और तुम आई कहाँ से हो? दूर की मानो तो रिश्तेदार हूँ, नजदीक की मानो तो लड़की के बायकी से। अब तो मैं लड़की का गौना नोतने आई हूँ, अब चलिए ना। मंगनी तो अब रुक गई है, सामने ही जाएंगे, अब वापस घर में नहीं जाएंगे। तुमने तो मंगनी रोक दी, पर मैं तो शादी कराने के लिए आई हूँ। दीदी बहनों कहाँ हो,
मुहूर्त का समय हो गया, गौना नोतने की सामग्री ले आओ। ये बिन बुलाई सखिया कौन है? जान जाए तो आदर करने के लिए। इनमें से कुछ मेरी बड़ी बहन है, इनमें से कुछ की मैं बड़ी बहन हूँ, कुल मिलाकर एक दूसरे की बहनें हैं। इस शादी के सारे शुभ कार्य करने हैं, चलो। अरे ये क्या, ये तो धक्का मार के जा रही है। भवानी बाबू, मैं तो कुछ और समझाता, यहाँ कुछ और हो रहा है। कोई बात नहीं भैया, अब जो भी होगा देखा जाएगा, चल अंदर। सब लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं, चलो। भवानी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो भवानी? विजया के साथ मुझे भी जाना होगा। ये कैसी आतुरता? क्योंकि विजया के पति की आयु में गंड है और विजया का सिंदूर संकट में है। यदि दुष्कार्य की बात थी तो उसका विवाह क्यों कराया गया? इस शादी से विवेक की दुर्दृष्टि दूर करके उसकी रक्षा के लिए। अब यहाँ रहकर भी रक्षा कर सकती है ना, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। वो जो भी शक्ति है उसे दंड देना है, और उसके लिए मुझे सबसे पहले विजया के पति की रक्षा करनी होगी। भवानी, तुम इस गांव की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति हो, ये भूलकर अगर तुम केवल उस लड़के की रक्षा करोगी तो इस गांव के विनाश के लिए वो समुद्र विराट रूप लेने के लिए विचलित है। स्वयं देखो, ऐसा ही रहा तो ये समस्त गांव जल समाधि हो जाएगा। यदि मैं वहाँ नहीं गई तो उस लड़की का जीवन 5 महीने में ही मानो समाप्त हो जाएगा। जब भी तुम्हारे सामने ऐसी कोई समस्या आए तो हमारा नाम लेकर आह्वान करना, हम तुरंत यहाँ पहुँचकर उस कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे, विवेक की भी रक्षा करेंगे। तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, ये गाँव सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा वचन दो। वचन देगी?
पृथ्वीर रुद्रीर चंदी आवाह कर्णिका वृष्टिका शाकिनी हरिणी आवाह चरोहा आवाह वकोरा यहोरा जंजरा आवाह अरे आके सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये तांत्रिक कहाँ है? गांव की जायदाद काफी नहीं क्या जो यहाँ मरघट में भी दुकान खोली? उस लड़के की शादी रोक नहीं पाया लेकिन सुहागरात की अड़चन डालने में कामयाब हो गया। सुन तांत्रिक, उसी कामयाबी में थोड़ा जोर लगा के उनकी शादी को तोड़कर उन्हें तलाक दिलाकर हो सके तो उस लड़की के प्राण निकाल कर लड़के की मेरी बेटी से शादी कराओ, यही बोलने के लिए यहाँ आया हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तांत्रिक तो आग तो पस बन गया है। अरे ये तो गिर गया। अक्षरा मुझे और शक्ति दे, और शक्ति दे, और शक्ति दे। विलन हो के मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये हवा में उड़ के नीचे कैसे गिर गया? चुप कर, यहाँ हवन होने के बाद सबसे पहले तेरे घर में क्या हो रहा है ये जान लेना। क्यों जानू? तुम्हारे शुभ कार्य में जो आग लगी थी, जो तूफान आया था, वो मैंने नहीं किसी महान शक्ति ने किया था। वो शक्ति उस लड़के के पीछे पड़ी है। उस शक्ति को क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे वो शक्ति चाहिए, क्योंकि महाशक्ति बनने के लिए मुझे वो शक्ति चाहिए। ये क्या शक्ति महाशक्ति बोल के 5 नींबू 4 अंडे रखकर वो बिल्डअप दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट का रेट बढ़ाने के लिए? इतना पावरफुल विलन होकर भी तेरे पीछे तेरे भूतों के पीछे घूमना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। किसी भी विलन को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके खुद ही अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा। सुन, आने वाली अमावस्या से पहले उन्हें अलग कर दे, फुल पेमेंट दे दूंगा, नहीं तो चतुर्दशी से पहले मैं खुद ही अलग कर दूंगा, एडवांस वापस कर दे। तू नीचे ऊपर ही नहीं दाएं बाएं भी उछलना, चलता हूँ। मूर्ख, उस शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं इसीलिए ऐसा बोल रहा है, वो आक्रोश में सबके प्राण ले लेगी। ये सब गांव वालों का सामान है, ब्याज के चक्कर में यहाँ आ गया है। तुम्हारे ससुर का ब्याज का धंधा जो है, धर्म के नाम पे बोल के 100 रुपया पे 20% ब्याज लेते हैं। एक बार मुझे पैसे चाहिए थे तो बाइक गिरवी रखनी पड़ी, मुझसे भी 20% ब्याज लिया। दरअसल यहाँ पे कोई भी सामान अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो भी सामान पड़ा है उसमें गर्द जमा है। ये मेरे दादाजी की कुर्सी है, इस पे कोई नहीं बैठ सकता, तू कैसे बैठ गई? हमारे फैन से तुम हवा खाओगी। जाओ यहाँ से, मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बाप रे, जिसे भी हाथ लगा वो मुझे काटने के लिए आता है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं उन्हें उठा के लाई हूँ। बसंती ने भी यही बोला था और सुमति ने भी यही बोला था। कुछ भी हो जाए इस सामान को ठिकाने लगाना होगा। ची 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 ची, कैसा हा? सिनेमा था, 3 घंटा भी बेकार हो गया, 300 रुपया भी बेकार हो गया। सिनेमा में वो क्या कैरेक्टर था? चा, 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 मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। धीरे हंस, सिनेमा में वो क्या कैरेक्टर था, उसका कोई 3 रुपया ब्याज भी नहीं देगा। अगर वो पैसा मैंने ब्याज पे चलाया होता तो कितनी रकम बनती। ऐसी फालतू की फिल्में देखकर जब हम एक एक पैसे के लिए मुंह मारते फिरेंगे तब तुझे पता चलेगा। यहाँ का वो सामान कहाँ गया? अरे बाप रे, वहाँ के सारे बर्तन कहाँ चले गए? फ्रिज कहाँ गया? यहाँ के सामान भी गायब है। गायब हो गया है सोफा। अरे वॉशिंग मशीन। ब्याज कहाँ? सब मैंने दे दिया। आज का दिन बहुत अच्छा है ना, गांव के सब लोगों को बुलाकर सामान उन्हें दे दिया। तो पैसे असल ले लिया है। और ब्याज? ब्याज अच्छा, कोई जरूरत नहीं कह दिया। एक ने असल दे दिया है, दूसरा दशहरा के दिन दे देगा ऐसा बोला है, तीसरे ने कहा कि दीपावली के दिन दे देगा, चौथे ने संक्रांति के दिन देने के लिए कहा है, और बाकियों ने मेरे मरने पर लाएंगे क्या? ये तो क्या बोल रही है। हाँ माँ जी, वो लोग भी ऐसा ही बोल रहे थे कि आप दोनों को बहुत गुस्सा आएगा, फिर भी मैंने दे दिया। आप नहीं जानती रोज का ब्याज लेना महापाप है, वो इस घर में रहने के बजाय उनके घर में रहे तो अच्छा रहेगा। बसंती ने भी यही बोला था और सुमति ने भी यही बोला था। अब आप छोड़िए भी, गांव के लोग जाने क्या बोलेंगे। बारी बा बड़ी तेज निकली। अरे अरे अरे,
कितनी बढ़िया बात कही। उसकी बात सुनकर तो तुम्हारे ब्याज पे मुझे नफरत सी होने लगी। मेरे मर्डरों की इज्जत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। पता नहीं अपने आप को यह क्या समझती है छटंकी, जो मुझे ब्याज नहीं लेने का भाषण दे रही। अरे रे रे रे, अरे गांजे के पास तुलसी का पौधा निकले तो उसे जंगली घास की तरह उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो गांजे की फसल में कीड़ा लग जाएगा। जरा देखना कौन है। डेथ की बात हो तो मुझे फोन देना, डोनेशन की बात हो तो मैं नहीं हूँ बोल देना। क्या खत्म हो गया? खत्म हो गया बाटली वाला। विजय, ये ठीक नहीं है विवेक। क्यों, क्या हुआ? ये चश्मा लेटेस्ट मॉडल का पिताजी। ये कह रहे हैं चश्मे के मॉडल के बारे में नहीं, बाहू के मॉडल के बारे में। क्या? क्यों क्या रे, हमारे यहाँ जितना भी सामान था वो गांव वालों को बुलाकर दान में दे दिया। हाँ? हाँ? रियली? बहुत अच्छा काम किया। आप जो सूत का काम करते हैं उसके बारे में लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग फट गया था। अब दिमाग बिल्कुल शांत है। इससे भी अच्छी बात पता है क्या? इसे यहाँ पर किसी को भी आपत्ति नहीं है। मुझे भी प्रमोशन मिल गया। आपने देखा माजे, इन्हें प्रमोशन मिल गया है। आप इस घर से सामान जाए या कुछ भी जाए, बसंती ने भी यही बोला था और समिति ने भी यही बोला था। आप चलिए ना। एकता कपूर के सीरियल में भी ऐसी ही बात दिखाई पड़ती है, माता पिता नीम की तरह कड़वे और बहू एकदम शहद की तरह मीठी। सुनो, बड़े बड़े परिवार आजकल पुरानी बहुओं को निकालकर नई नई बहुएं ला रहे हैं। तुम इसकी कटिंग करके मेरी बेटी से विवेक की शादी करके अमेरिका भेज दो। ए, अपनी बेटी से शादी कराएगा तुझे जान से मार डालूंगी। ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या हो बहना? आओ भैया, इमली की भुजिया बनाई है, आकर खा लो। इमली के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल की तरह चिल्लाकर इमली का खाना खिलाना चाहती है। दाल में जरूर कुछ काला है, यहाँ से खिसकना ही ठीक है। आज ही जाँच ले लूंगा। ये क्या जी? Okay, फोन पर ही लगे रहेंगे क्या? जल्दी आइए ना। ऑफिस का आज पहला दिन है इसलिए मैडम ने फुल प्रिपरेशन किया है। प्रिपरेशन? ये कौन सी बला है? सबका सब मैंने बनाया है। मैंने भी इंग्लिश में वही कहा है मैडम। उसे इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं? बसंती ने भी नहीं बोला, सुमति ने भी नहीं बोला। मैसूर पाक, मुझे मैसूर पाक पसंद है, ये तुमने कैसे जाना? मैसूर पाक मैंने तो नहीं रखा, फिर कैसे आया? हाँ, माँ ने बनाया होगा। वो तो कुछ दिन से घर पर ही नहीं है। तो फिर किसने बनाया होगा? किसने बनाया होगा पता? किसने? भूत ने। ये क्या बोल रहे हैं? पानी भरना भी भूल गई, मैं भर के ला दूँ। मैं जाके ले लूंगा। ओफो, ये ऑफिस है, किस नल में पानी आएगा कुछ पता नहीं, मैं जाकर खुद लेके। ये भी सही है। हेलो, कौन है? कौन? मैं कौन? अरुणा। अरुणा, तुमसे मिले वाकई बहुत दिन हो गए यार। उस दिन बिना बताए चला गया यार, सॉरी। सुनो, तुमने शादी कर ली? हाँ। शादी क्यों की? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे प्यार करके मंगलसूत्र किसी और के गले में पहनाया, तुम्हें वो मंगलसूत्र उतारना होगा। शट अप। अरुणा, जब तक मैं बैचलर था तुम मेरे साथ में क्या करती थी सब मैं सह लेता था। अब मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी भी है। सुनो, अब तुम ऐसे फोन करोगी तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। अब से ऐसा मत करना, प्लीज डोंट डू इट अगेन। आई विल डू। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी से मेरे फार्म हाउस पे आओ। मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें आना होगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं वहां पर आऊंगी और मैं आई तो सारे राज खुल जाएंगे। नहीं, मैं आता हूं। आओ, जल्दी आओ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं आ जाऊंगा। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो मैसूर पाक किसने रखी कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं वही सोच रही थी। विजय, मैं खाना बाद में खाऊंगा, अभी मुझे बाहर जाना है। बाहर बारिश पड़ रही है। बारिश तो क्या, बाहर तूफान भी आ जाए मुझे जाना ही होगा। आस बढ़ रही, प्यास बढ़ रही,
जिद्दी हुआ करती थी, अब तुम पे पागलपन भी सवार हो गया। हाँ, तुम्हारे कारण मैं पागल बन गई। ये नाच, ये गाना, इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है? नाचना, गाना, तूफान, वर्षा, समुद्र, प्रलय, मैं वैसी नहीं हूँ, पर मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे मन को बदल के रहूंगी, क्योंकि तुम मुझे चाहिए। आहा, आहा। अरुणा, अब मेरी शादी हो गई है, तुम अपने ये इरादे बदल दो, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर चलाओ। एक फ्रेंड के नाते मैं तुम्हें ये समझाने के लिए आया हूँ। माइंड इट। अच्छा, तुम जिंदा रहना चाहते हो और मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तड़पती रहे। अरे बाप रे, अपने साथ मुझे भी घुमा रही है गोल गोल। चल पैर रख। दाया पैर अंदर रख के जाना चाहिए ना? दोनों अपने ही हैं, पर दाया बाएं में फर्क होता है। तंगड़ी खेल खेल के अंदर। अरे आराम से आ जाओ, कहीं पैर में मोच आ गई तो? आज कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का तुम्हारी बहू के रूप में घर में पहला कदम रखवा रहा हूँ। भैया ये क्या पागलपन है, उसकी तो शादी हो गई है ना? एक बार दांत मांझने के बाद जिंदगी भर कभी दांत नहीं मांझते हैं क्या? रोजाना मांझते हैं, केवल ब्रश बदल देते हैं। कहना क्या चाहता है? मुझे गुस्सा मत दिलाना, जब मेरी तलवार चलने लगती है तो किसकी गर्दन नहीं देखती है। एक तरफ तो काटने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो ब्याज नहीं लेने की बात कर रहा है। रोने वाले मर्द को एक ही झटके में काट देता हूँ। कोई जहरीली हंसी हंसे तो उसकी जीभ काट देता हूँ। जो बहू आई उसे कैसे बाहर भेजना है वो तुम सोचो, तुम्हारी पसंदीदा बहू को कैसे अंदर बुलाना वो मैं सोचता हूँ। मुहूर्त निकलवाओ दिखाई का। ये दिखाई का मुहूर्त किस लिए? और किस लिए, इस राहु काल में अगर मेरी बेटी ने बाएं आंख से तुम्हारे बेटे के दाएं आंख में झांक लिया तो मेरी बेटी का रूप उसके मन में बसेगा, ऐसा पोपट वाले बाबा के तोते ने कहा था। अगर झूठ निकला तो उसके पूरे कुंबे को फ्राई करके खा जाऊंगा, तब दुनिया में तोता ही नहीं रहेगा। लो आ गया दूसरी शादी का दुल्हा। अरे सुनेश्वरिया, तू उसे ऐसे देखना कि वो तुझे बंदरिया के बच्चे की तरह चिपका ले। अरे चोटी का खेल बनकर लव का खेल शुरू कर। चलिए हम लोग अंदर से चुपके से देखेंगे दृश्य, नहीं तो नजर लग जाएगी। हाय, सचिना है मुझे। हेलो, हाय। देख लिया, आंखें मिल गई। हाँ, ऑफिस में आके बात करूंगा। ओके। देखा, उसे देखते ही इसकी चाल बदल गई। हाय, कम ऑन। दिल घायल है, कुछ कुछ होता है। क्या कहा, क्या कहा? चुम्मा चुम्मा चुम्मा, क्यों नहीं? इसे देखा तूने? अभी कुछ कुछ होता है। होता है पर नहीं छोड़ूंगा। मैं छोड़ूंगा।
ये क्या, ये उसे क्या हो गया? हाँ विजय, जल्दी करो, हमें ऊटी के लिए निकलना है। तुम कभी भी ऐसे ऐसे क्यों बैठी हो? किसी गहरी सोच में हो या किसी सपने में खोई हो? बोलो तो सही। ओ, तुम्हें किसी ने फोन किया था? बताओ, उसकी बात को भूल जाओ। वो अरुणा पागल है, पिशाचनी है। बिल्कुल सही। मैं पागल हूँ और तुमने ही मुझे पिशाचनी बनाया। तो घर में भी चली आई? मेरी मर्जी, तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ मैं पहुँच जाऊंगी। ओहो, शादी होती हनीमून के लिए ऊटी जा रहे थे। आहा अरुणा, विजया बहुत भोली है, तुम्हें देखकर वो अपसेट हो जाएगी। जाओ। वो अभी नहीं आएगी ये जानकर ही मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास आई हूँ। तुम उससे क्यों डरते हो? तुम, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जीवन, सब कुछ मेरा है, मेरा है। हमारे बीच किसी को आने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई आ गई तो जिंदा नहीं बचेगी। अरुणा, दोबारा मेरी आंखों के सामने आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरुणा, ये नामुमकिन है। तुझे जान से मार डालूंगा। नो नो नो, तुझे तो क्या हो गया? क्या बात है? यहाँ कोई आया था? यहाँ कौन आएगा? यहाँ तो कोई नहीं है। विजया, देखिए ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रहने दीजिए, उसे घर में लाना अच्छी बात नहीं। वैसे मैं आपके ऑफिस से ही आ रही हूँ। ऑफिस यानी? तुम ऑफिस से आ रही हो? सुनो, मैं तुमसे साफ साफ बताता हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। वो अरुणा पागल है, पागल है, उसकी कोई बात मत मानना। वो सुनो, विश्वास करना तो करो नहीं तो छोड़ दो। मन में कुछ और रखे, ऊपर ऊपर बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन प्लीज। विश्वास करना तो करो नहीं तो छोड़ दो। डोंट डिस्टर्ब मी, लीव मी अलोन। बाप रे अरुणा, यहाँ पे आई थी। मैं वो यहाँ नहीं आई। अगर वो आती तो मैं तो मर गया होता। वैसे वो लड़की है कौन? बोल ना। अरे बाप रे, खतरनाक लड़की है, मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेट जाती है। एक बार वो जापान गई हुई थी, वहाँ अग्नि पर्वत में नहाने के लिए बोल रही थी। सब लोग समुद्र से बाहर आ रहे थे, वो समुद्र के अंदर जाने लगी थी। अगर देवता भी आ जाए तो पैसों के बल पर उसे भी मुर्गा बना देगी। दूध मांगो तो खीर बना के देगी, कॉफी मांगो तो चाय बना के देगी। यही है उसकी ऑटोमेटिक बायोग्राफी। वो कहाँ रहती है? वो जहाँ रहती थी वही होगी, पर उसे देखे 2 साल हो गए हैं। उसका घर कहाँ है? उसके पिताजी सीआर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। घर में कोई है? नमस्ते बेटी, तुम कौन हो? मैं औरंगाबाद से आई हूँ। किस सिलसिले में? आज से यही करीब 2 साल पहले विवेक नाम का जो लड़का था, मैं उनकी पत्नी हूँ। विवेक की? जी। वो पापी अभी तक इस दुनिया में जिंदा है? उसने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। तू चुपचाप इस घर से बाहर निकल, बाहर जा यहाँ से। पहले यहाँ से बाहर निकल। माँ एक मिनट। ये विवेक की पत्नी कह रही है हमारा और अपमान करने के लिए आई है, तू यहाँ से पहले बाहर निकल। किस लिए आई हो? अरुणा से बात करने के लिए। अरुणा से बात करने के लिए? क्या बात करनी है? यही कि विवेक से मेरी शादी हो गई है, क्योंकि अरुणा ने आकर बताया कि मैं ही उनकी पहली पत्नी और उन पर किसी और का हक नहीं है। सच क्या है मैं नहीं जानती, ना ही उन्होंने बताया। मैं खुद अरुणा से बात करके वो सच्चाई क्या है उसका पता लगाने आई हूँ। अब क्या करेगी, अब क्या करेगी अरुणा से बात करके? आओ, आओ बेटी। आप अरुणा को समझाइए वो ऐसा ना करे, क्योंकि अरुणा विवेक से मिलने गई थी। जी हाँ, वहाँ आई थी। जरा वहाँ देखना। अरुणा को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए। मर गई है? हाँ, तेरे पति की वजह से मरी है। वो कहाँ है हमें कुछ पता नहीं, वरना अरुणा की लाश को ले जाकर उसके सामने रख के तेरी वजह से मेरी बेटी मर गई ऐसा बोलता।
उसके बाद ही बेटी का दाह संस्कार करता। पागल बना के छोड़ दिया, हम बूढ़ों का उसने सहारा छीन लिया, हमारी भूल जैसी बेटी को उसने मौत के घाट उतार दिया। ये पाप उसे नहीं छोड़ेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, कुछ नहीं करूंगी, लेकिन विवेक को छोड़ के तू कहीं दूर चली जा। किस लिए? तुम तो मुझे मारना चाहती हो ना? मारो। नहीं, प्यार। उसी दिन मेरी विवेक से शादी हो गई होती, लेकिन तांत्रिक ने मुझे बांध लिया। मैं प्यार की आग में झुलस रही हूँ। मैं विवेक को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तुझे अलग होना होगा, उसे छोड़ना होगा। विवेक सिर्फ मेरा है। यही है मुझे महाशक्ति बनाने वाली क्रूर आत्मा, पूर्णिमा में पैदा होकर अमावस में मरने वाली, अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए भटकने वाली आत्मा है तू, तड़पती आत्मा। ये अगर मुझे मिल जाए तो देवताओं को ललकारूंगा। ये आत्मा मुझे चाहिए, 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 ये आत्मा मुझे चाहिए। इतनी उदास क्यों? मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। कौन सी? अरुणा। अरुणा, उसे क्या हुआ? अरुणा मर गई। वो मर गई? तुमने कोई सपना देखा क्या? कल ही तुम उससे बात करके गई। वो अरुणा नहीं है, उसकी आत्मा है, प्रेत आत्मा। उसकी आत्मा भटक रही है, वो आपके पीछे पड़ी है, आपको पाने के लिए तड़प रही है। ये सच है। क्या? अरुणा की आत्मा? अरुणा मर गई है। मेरे लिए वो मर गई? वो आत्मा मेरे लिए? विजय, क्या हुआ? विजय, तुम कुछ बोलने वाली थी, एकदम चुपचाप हो गई। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मेरी एक सहेली आई थी, पक्की सहेली, मुझे अपने साथ ले गई। वहाँ पर कोई फोन भी नहीं था, इसलिए फोन नहीं किया। ओके ओके, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, आज तुम्हें बढ़िया से साड़ी दूंगा। ठीक है। ओके, साड़ी तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ, सब बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ओके बाय। इसे पकड़ कर क्यों बैठी है? इसे देखने से सब शुभ होगा ऐसा सोच रही है? जिस दिन से तुझसे शादी की है तभी से उस पर मौत मंडरा रही है।
जिस दिन से तारीख निकली उसी दिन से पता चल गया कि उसके ग्रह संकट में है, ऐसे छोटे स्वामी जी ने बताया था। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा नहीं बच पाएगा, मैं जानती हूँ। जब से तूने इस घर में कदम रखा इस घर की शांति चली गई, मनुष कहीं की। आज ही 6 तारीख है, उनके लिए गंध का दिन, उन्हें कैसे भी रोकना होगा। दुल्हन की आज सुहाग रात है। तू अगर मेरी बात मानकर नहीं मानी तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तू नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। लेकिन ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। मेरा कोई शरीर नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी मुझे शारीरिक सुख जरूर पाना है, और वो सुख पाने के लिए तेरा ये शरीर मुझे चाहिए। इच्छा भी मेरी, एहसास भी मेरा। अब तू ये शरीर मुझे दे दे, मुझे विवेक से बहुत कुछ पाना है। नहीं, जो तू कर रही है वो अच्छी बात नहीं, महापाप है। मैं चली जाऊंगी, आ जाओ। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, नहीं, नहीं। क्या बात है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तुम परेशान क्यों हो गई थी? आप लोग कब आए? माता ने सुबह इन्हें जगाकर तुम्हें ये धागा बांधने के लिए बोला है। उसे नींद कैसे आएगी रे? वहाँ पर मेरी बेटी दुष्ट शक्ति शुद्र शक्ति के साथ जूझ रही है, इसीलिए मेरी बेटी ठीक से सो नहीं पा रही है। अरे रे। हाँ हाँ सावित्री माता, माता मेरे सपने में भी आई थी, उस लड़की के बारे में सब कुछ बोल के मुझे भी नींद में से जगा दिया। और इसीलिए मैं देवी माँ के पास से ये शक्ति का धागा लेकर आई हूँ, आज ही इसे ले जाकर विजया को बांध देना। पाप ग्रह उस पर छाए उसे पहले ही बांधना होगा, इसीलिए आए। सुनो बेटी, इसे संभाल के रख। ये क्या, मंदिर का पुजारी और मस्तान एक साथ हमारे घर पधारे हैं? अरे चुप कर, बिना दहेज के उस अनाथ लड़की को हमारे बेटे के गले बांध कर अब हमारे घर में पूजा करने के लिए बुश और लादेन आए हुए हैं। ये अनाथ नहीं है, ये हमारे जमींदार की बेटी है। जब ये 2 महीने की बच्ची थी तो गांव में सैलाब आकर सब कुछ बहा ले गया, माँ बाप जमीन जायदाद सब कुछ सैलाब में बह गया। अरे अरे रे रे रे, बहुत ही इमोशन में दिख रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? इसके पैदा होते ही पूरा गाँव का गाँव सैलाब में बह गया था, सब बात अभी तुम्हारे घर में आ गई है, तुम्हें भी बहा कर ले जाए। एक काम करो, अभी से तैरने की प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम लोग डूबने से बच जाओ। जरा देखो, मर हो तो मुझे दो, हफ्ते वाला हो तो फोन कट कर देना। क्या तुम्हें धोखेबाज चाहिए? ये लो है? तुम्हारे लिए है? तो उस मछुआरे की तरह मरेगा, मटन काटने वाली छुरी से बोटियां काट दूंगा। पिछले जन्म में कसाई था? अरे तूने क्या पूछा, अबे तू कसाई है क्या? घर चल के बात करेंगे, बिरयानी खिलाएगा। ये क्या भाभी, आज फर्स्ट नाइट है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तुम अभी भी यही हो? तुम एक काम करो, जल्दी से ये दूध ले जाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फर्स्ट नाइट का मूड खराब हो जाएगा। चलो चलो चलो। ऐसी बात नहीं बाबा, तू हमारी फिक्र मत कर बेटी, ऐसे चंडाल तो बहुत आते जाते रहते हैं, जब तक रहना है रह कर ही जाएंगे। तू जा। हाँ जाओ बेटी, विवेक रात देख रहा होगा। अब ये कसाई की औलाद रसोई घर कहाँ है? अग्नि दिशा में, हमारे पीछे पीछे है, हमें खाते हुए देख लेना। लगता है मैं सुहागरात को रोक नहीं पाऊंगा। सुनिए, ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहती पर बता रही हूँ, आप परेशान मत होइए, आपको हिम्मत रखनी होगी, इस समस्या का समाधान ढूंढकर परिहार करना होगा, फिर कुछ नहीं होगा। बोल। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे अपने शरीर में नहीं घुसने दिया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इसके शरीर में आने से कोई नहीं रोक पाया। ये सुहागरात नहीं हो पाएगी और मैं ये सुहागरात होने भी नहीं दूंगी। ये रात मेरी है, विवेक मेरा है, मुझे किसी का नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा है, जो रात भी मेरी है, सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा मेरा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة یہ کیا متن بھائی ہمارے گھر میں نماز پڑھ رہے ہو پاس میں ہی مسجد ہے اب وہی جا کر نماز پڑھنا مندر اور مسجد دونوں میں ہی خدا رہتا ہے وہاں سمسیائیں نہیں رہتی گھروں میں انسان بستے ہیں وہیں سمسیائیں ہوتی ہیں خدا مندروں اور مسجدوں میں ہی نہیں بھلے منوشوں کے پاس بھی ہوتا ہے پتہ نہیں پورے رمضان کا مہینہ मुझे यहीं गुजारने का मन कर रहा है। अल्लाहु अकबर। many many happy returns of the day। तुम और इंग्लिश? हाथ से इंग्लिश में बात करने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करती हूँ। थैंक यू। ओफो, थैंक यू बोलकर फिर से सो गए। सूरज सर पर चढ़ाया है, जल्दी से उठकर नहा लीजिए ना। चलिए। ओफो, चलो भी। जल्दी आइए ना। आइए। हाँ। आप यहाँ पे बैठ जाइए। अरे अरे, ये मत लगाओ, शैम्पू लगाओ, शैम्पू, ओफो, शैम्पू लगाओ। ये सब क्या कर रही हो? अरे ये सब मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो ना प्लीज। ओफो, छोड़ दो ना। अरे अब क्या करियो, अब क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ो, अभी तक जो नहीं लाया वो काफी, तुम जाओ जाओ। जन्मदिन पर भी सोए पड़े हैं, जल्दी उठिए ना। ओफो, मैं आके नहलाऊंगी कहा था, फिर भी नहाने चले गए, ऊपर से गाना गुनगुना रहे। सुनिए, मैं आके नहलाऊंगी ऐसा मैं आपसे कहकर गई थी ना, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या, तुमने तो मुझे बाथरूम में लाकर जबरदस्ती नहलाया। मैंने? हाँ? ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? अब दोबारा फिर से बाथरूम में घुसने की कोशिश मत करो, अभी तक जो नहलाया तुमने वो बहुत है। और तुम जाके मेरे कपड़े वगैरह निकालो, मैं आके पहन लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो, इस तरह पानी खराब करना राज्य के लिए नहीं देश के लिए हानिकारक है। तुम जाओ, मेरे कपड़े निकालो। अरे जाओ, मैं, जाओ, जाओ, प्लीज। मैं ये क्या, मैंने नहलाया? हमेशा झूठ बोलते हैं। पहन लीजिए। ये ब्लैक ड्रेस आप पर बहुत जचेगा, मेरी पसंद का कलर है, पहन लीजिए। ओके। आहा। सब तुम्हें ऐसे कर सकती हो, मैं भी कर सकता हूँ। विवेक के बर्थडे के लिए अंडे की बिरयानी ठीक रहेगी? नहीं। भले आप मत खाना, हमें तो खाने दीजिए। ये लीजिए स्वीट। ये क्या किया, मैंने तो वहाँ दूसरे कपड़े निकाल के रखे थे, आपने ये काले कपड़े क्यों पहने हैं? क्या, तुमने यही कपड़े तो रखे थे? नहीं जी, मैंने सफेद कपड़े निकाल के रखे थे। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुमने स्नान नहीं कराया बोल के मैंने फिर से स्नान किया, अब तुम इन कपड़ों के लिए बोल रहे हो क्या मैं फिर से कपड़े बदल लूं? मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब से हम इसे इस घर में लाए हैं तब से इस घर में जो बातें हो रही है तो बाहर वाले की सुनकर हमें अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, और भी बहुत है कहने के लिए। सुनिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, बाहर भी मत निकलिएगा। क्यों? मत निकलिएगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि नौकरी छोड़ने के बाद तू भी घर में बैठ के हमारे ही तरह रोटियां तोड़ना। सुनिए मेरी बात मानिए, आप रुक जाइए। किस लिए? मत जाइए। क्यों? कहा ना मत जाइए। क्यों बेटी, क्यों रोकना चाह रही हूँ? बाबा,
इनसे कहिए कि आज ही ऑफिस न जाए, ये न जाए, ने समझाइए बाबा। देख बाबू, तुम हमेशा सच बोलते हो, लेकिन वो भी कभी झूठ नहीं बोलती। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, तुम दोनों के बीच झूठ और सच को लेकर जरूर कोई गड़बड़ है जिसे आपको समझना होगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, इसकी बात मानकर एक दिन घर में रह गए तो क्या नुकसान होगा? हम लोग मस्ती करेंगे, मैं गजल सुनाऊंगा, तुम डांस करना, okay, okay. और जाओ जाओ जल्दी जाओ। आप खुश हो ना? ये उस कमीने की ही कोई चाल होगी। तुम्हें क्या लगता है दामाद घर में ही रहेगा? तुम्हारे होते वो नहीं रहेगा। करुण शक्ति आ जा, तेरी आत्मशक्ति को बुलाऊंगा, आ जा अरुणा स्वाहा। कौन है रे, कौन है रे तू? आत्मशक्ति से परम शक्ति को ललकारने वाला महाशक्ति। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये छोटी छोटी आत्माओं की शक्ति मेरे लिए बहुत कमजोर है, मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो काम नहीं आ रही हैं। उसके लिए अन्य शक्तियों से, नक्षत्रों से, ग्रहों से सबसे ज्यादा शक्ति तुझ में है, इसीलिए तेरे सामने कोई टिक नहीं रहा है। हम दोनों यदि मिल जाएं तो तेरी आत्मा और मेरी आत्माएं मिलके मैं उस परमात्मा तो क्या किसी भी भवानी से भिड़ सकता हूँ। मुझसे जुड़ जा। मैं सिर्फ अपने बिछड़े हुए प्यार को पाना चाहती हूँ, तेरी आत्माओं की मुझे कोई जरूरत नहीं। क्षुद्र शक्तियों के साथ मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए, उसका प्यार मुझे चाहिए। मैं अपने प्रीतम को हासिल करना चाहती हूँ। उसे हासिल करने के लिए तेरी शक्ति ही काफी नहीं, मेरा बल भी चाहिए, मेरी क्षुद्र शक्तियाँ भी चाहिए। आ, मुझ में मिल जा। प्यार में जो ताकत है इस दुनिया में वो किसी में नहीं है। मैं हासिल करके रहूंगी और तू देखता ही रह जाएगा। शुक्रवार का दिन मेरी सुहाग रात का दिन है, वो मेरा दिन है, उस दिन हासिल करके दिखाऊंगी। अब तूने अगर मुझे फिर से बुलाया तो तुझे जला के राख कर दूंगी। मुझे मत बुला। मुझ में मिल जा। आजा, आजा, मुझ में मिल जा। ये कौन सी शक्ति है बाबा? 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 अरे अरे अरे, सुनो मस्तान बाबू, तुम्हारी दाढ़ी देखने में कश्मीर की वादी लगती है, तेरी मूंछ भी उजड़े हुए कब्रिस्तान की घास लगती है। तुम जरा सी बात को बहुत डीपली सोचने लगते हो। सुनो बेटी ऐश्वर्या, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी तूफान की तरह गोल 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 घूम रही है। दरअसल मैंने तुम्हें बात नहीं बताया ना, जब मेरी पत्नी पेट से थी तब उसने आकाश में एक उड़नदस्त्री देख ली, उसी का असर है आज तक गोल गोल घूमती रहती। नहीं बे, तेरे दिमाग में जो शैतानी चक्कर घूमता ना वैसे ही घूम रही है। तू फिर से डीपली सोचने लगा। मेरी बेटी टिफिन लेकर आई है, आज वो पहला टुकड़ा तोड़ के दामाद जी के मुंह में रखने वाली है। मुझे बहुत भूख लग रही है पिताजी। पहले दामाद जी को खिला दे, बाद में जितना चाहे तू खा लेना। ये दामाद जी कहाँ? दामाद जी वहाँ। अरे बाप रे, दामाद जी इस कमरे में है, बेटी ऐश्वर्या इधर आ। एक काम कर, अंदर जा, दामाद जी जो चाहे दे देना। हाँ दे देना। पिताजी कहीं कुछ जलने की बात आ रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो जो मांगे दे देना। हाँ, फैमिली डॉक्टर को देखा है, फैमिली लॉयर को देखा है, फैमिली ब्रोकर को आज देख रहा हूँ। पागल कहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसके पीछे एक और चक्कर है। अंदर तो एक चक्कर भेज चुका है, अब दूसरा चक्कर क्या है? जब घुमाऊंगा तब देख लेना। ओ भवानी बाबू, ओ मेरी बहना, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ये कैसा अन्याय है, कमरे में से आने वाली आवाजें सुनिए। दिन दहाड़े ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या हुआ भैया? हाँ क्या हुआ? मेरी बेटी ने प्यार से टिफिन देना चाहा तो उसे अंदर खींच के दरवाजा बंद कर दिया तुम्हारे बेटे ने। उसके बाद एक चीख सुनाई दी, फिर उसके बाद ऑडियो कट हो गया। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, उसी का मुझे टेंशन है। अंदर जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उसके बारे में मैंने पूछ रहा हूँ, पर मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा? मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ। जो अंदर है उसे मेरी बेटी से शादी करनी होगी, नहीं तो वो गया काम से, तेरा ही पति। इसीलिए तू बोरिया बिस्तर बांध के चली जा, किसी कस्बे में सुहागन बन के जी सकती है। तलाक के बाद ये जीविका भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, नहीं तो इन्हें मार डालूंगा। तू रुक जा, सेटलमेंट नहीं हुआ तभी मार डालूंगा। ढोल पीटने की क्या जरूरत है, अंदर जो दो है उनकी शादी करा दो। मस्तान ये तुम क्या बोल अंदर रहे? जो है उनकी शादी कराने के लिए कह रहा हूं। नहीं पड़ेगी,
करानी ही पड़ेगी, हो जाएगी। ये न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस ही है, न्यूसेंस नहीं तो और क्या। तू इधर अंदर कौन है? तू इधर अंदर कौन? अंदर सिम 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 दरवाजा खुल जा। मजा आ गया। तू है? सब ठीक ठाक कर देना। क्यों सब इतना बिगड़ गया? मसल मसल के खाना पड़ा ना। पूरा का पूरा खा लिया। मैंने केवल नाश्ता ही खाया है। अच्छा लड़का है ना, इसलिए सिर्फ नाश्ता किया है। ये क्या कर रही है? गरम गरम पूरियां ठंडी हो जाएंगी। जल्दी चलो नाश्ता कर ले। अभी आता हूँ, यहीं रहना। अरे कहाँ जा रही है? पता नहीं, इमोशन में मेरी आंखें बुरी तरह घूम रही हैं। आंखें घूमने से क्या होगा, तुम्हारी आंखें तो निकल जानी चाहिए। इस धागे का क्या करने जा रही हो? ये धागा मैं उन्हें बांधना चाहती हूँ बाबा, नहीं तो उनकी जान। नहीं बेटी, जब से तुमने ये धागा बांधा है तब से तुम्हारी परिस्थिति खराब हो गई है और मेरा मन भी ठीक नहीं। इसमें जरूर कोई दोष है ऐसा मुझे लगता है। देवी माँ के धागे में भी क्या दोष हो सकता है? हो सकता है बेटी, नहीं तो दुष्ट शक्ति विकृत रूप में महाशक्ति बन जाएगी। वो दोष कैसा है कुछ पता नहीं, मेरी आंखों को कुछ अजीब सा दिख रहा है। हमें फौरन गाँव जाकर देवी माँ के सामने ही इसे निकाल कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जो कुछ होगा वही देख लेगी। उस धागे को देवी माँ के सामने रखकर आ जाओ। जाओ बेटी। माते, तूने मेरे सुहाग की रक्षा के लिए यह धागा मुझे भेजा था, लेकिन इसमें दोष है ऐसा मेरे बाबा बोल रहे हैं। तेरी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर अपने बाबा के लिए तेरा दिया ये धागा तू ही रख ले माते। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? वो धागा इसलिए उतरवाया है ताकि मैं तेरे शरीर में प्रवेश कर पाऊं। तेरा धागा उतरवाने के लिए ही ये नाटक मैंने किया, इसमें कोई गलत नहीं। मैं तेरे शरीर में जब प्रवेश हो जाऊंगी तो विवेक को अपने साथ ले जाने में सफल हो जाऊंगी। आहा। क्यूरी क्या देख रही है? तेरा नाटक मेरे पास नहीं चलेगा। मेरी बेटी पर अन्याय होता रहे और मैं उसे चुपचाप देखती रहूं? जब मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें नहीं दिख रही थी। वो अन्याय नहीं था, तेरी आयु समाप्त हो गई थी। लेकिन मेरे प्यार की आयु खत्म नहीं हुई। जब मनुष्य मरता है तो उसके अंदर का प्रेम भी मर जाता है। नहीं, मेरा प्यार कभी नहीं मरेगा। मैं अपने विवेक को साथ लेकर जाऊंगी। तुझमें वो शक्ति नहीं है। भले ही मुझमें तुम्हारे जैसी शक्ति ना हो, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। जितने भी नक्षत्र हैं उनसे ज्यादा मेरे अंदर आत्मशक्ति समाई हुई है।
अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी मूर्ति को देखकर भाग जाने वाली मैं इस समय तुम्हारे मंदिर में तुम्हारे साथ बात कर पाती क्या? मेरी शक्ति को समझ लो, मुझे शक्तिहीन मत समझना। तू इस मंदिर में नहीं आई है, आ भी नहीं सकती, मैं ही तुझे लाई हूँ। तू अपनी भूल पर लज्जित होकर सुधार लेगी यही सोचकर मैं तुझे मंदिर में लाई हूँ। आहा, मरने वालों को जीवित लोगों से संबंध नहीं रखने चाहिए, तू वो मोह छोड़ दे। अगले जन्म में अच्छा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर की मनपूर्वक आराधना करो। अपनी प्रेतात्मा के प्रेम के लिए शुद्र शक्ति का प्रयोग मत कर। आहा, मगर अपने प्यार के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना? शिव के मन को जीतने के लिए, श्रृंगार करके उन्हें पाने के लिए, सभी देवताओं की अवहेलना करके क्या तुमने उन्हें वश में करना नहीं चाहा? तुम्हारे और शिव के प्रेम के कारण दक्षायनी क्या भस्म नहीं हुई? तुम्हारे प्यार के कारण तुम्हारे पति ने उस यज्ञ में दोष नहीं किया? तुम्हारा प्यार पौराणिक है, उसकी पूजा की जाती है, और मेरा प्यार क्या केवल एक प्रेत आत्मा बन के रह जाएगा? मेरे रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी अड़चने आ जाए, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। विवेक से आत्महत्या करा के उसे साथ ले जाऊंगी। जो बीच में आएगा उसे नहीं छोड़ूंगी, उसका नाश कर दूंगी। आओ, विजया। ये धागा हमेशा तेरी रक्षा करेगा। कल तेरे पति के जीवन का गंड दिवस है, उसे कहीं जाने मत देना। अब जा। विजया, आप और यहाँ? वो सब छोड़ो, ये कुमकुम हल्दी लगा के क्या हाल बना रखा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। अरे ये क्या है? माँ का दिया हुआ धागा है, उतारने के लिए आई थी पर मन नहीं माना। तुम्हारा दिन ब दिन अंधविश्वास बढ़ता ही जा रहा है, इसे निकाल देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अब सुनो, घर चलो। अच्छा, मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए मना किया था ना, फिर अकेले क्यों आई हो? मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, बाबा साथ आए थे इसलिए आई हूँ। बाबा के साथ? हाँ। तुम्हारे बाबा के साथ ही तो मैं अभी अभी आया हूँ। हाँ बेटी, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे। ये क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आज आरती होने तक क्यों ना हम यहीं रह जाएं? माँ के पास रहने पर हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी। हाँ ठीक है। सुनिए। क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पूछूं तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? मैं क्यों गुस्सा करूंगा, कुछ छुपाएंगे भी नहीं ना। तुमसे मैंने कोई बात छुपाई है क्या? अरुणा कौन है? विजया, अब उसकी बात क्यों, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? मैंने कहा था ना आपको गुस्सा आ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। छी छी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप अरुणा को जानते हैं ना? जानने से? मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ, बताइए ना अरुणा कौन है? अरुणा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ी जिद्दी थी, उस जिद्दीपन के पीछे भी बहुत अच्छा प्यार था। वो हर दिन कुछ न कुछ चाहती थी, पाने की जिद करती थी, नहीं तो मर जाने की धमकी देती थी। एक दिन उसने मुझे अर्जेंट बुलाने के लिए कहां से फोन किया था पता है? रेलवे ट्रैक पे लेटके। रेलवे ट्रैक से? रेलवे ट्रैक पे लेटके। क्या? प्रताप सिंह ब्रिज के पास जो लेवर क्रॉसिंग है उसके ट्रैक के ऊपर लेटी हूँ। वैसे इस ट्रैक के ऊपर मुंबई एक्सप्रेस आने वाली है, अगर उसकी स्पीड से ज्यादा भाग कर तुम आए तो मुझे बचा सकते हो, वरना तो मुझे आहा बाय। ए जल्दी चल। चिक बुक रेले। वो वहां लेटी है। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो? है कम ऑन इसे। अच्छा चलो। कहाँ? रेस्टोरेंट। क्यों? वहीं बैठ के बात करेंगे। ओ अच्छा ठीक है। हेलो, मुंबई एक्सप्रेस के बाद कौन सी ट्रेन आएगी? अच्छा राजधानी आने वाली है। अरुणा। ओके अरुणा। अच्छा ठीक है, वो कब तक? अरुणा मेरी बात सुनो। अरुणा मैंने कहा ना, तुम्हें क्या चाहिए? चलना तो छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए ये तो बताओ पहले। अरुणा अरुणा चुप हो जाओ, चुप रहना यार, उसकी बात मान ले यार, अब मान भी लेना यार। अरुणा अरुणा अब उसकी सारी बात मान ली, रेस्टोरेंट चल रहा है ना, चलो कम ऑन। छोड़ो मुझे। बाप रे, देवी जी आ गए, रेस्टोरेंट में आ गए,
अब बताओ। अच्छा हुआ तुमने आके रेल को बचा लिया, नहीं तो रेल पलट गई होती। बाप रे क्या बात है, वो तो बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा एक लड़का है। मैंने कल रात के समय तुम्हें फोन करके रेस्टोरेंट में बुलाया था लेकिन तुम नहीं आए। इस बार आओगे या नहीं मैंने टेस्ट किया था, एंड आई वन। तुम वाकई कमाल के हो। राधा विवेक का ग्लैमर बहुत नेटिविटी लग रहा है ना। उसकी जुल्फे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वेटो सिज़ो, उसे क्यों बुला रही है? कुछ काटने के लिए। मैं नहीं जानता क्या? मैडम थैंक यू। हे मेरी जुल्फे कहाँ हैं? घूम रही थी ना, काट दी। क्या ये लो, ये क्या है? तुम ही बोल रही थी ना विवेक की जुल्फे बहुत अच्छी है, वही काट के लाई हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स में मिला के पी लेना। सुनो सब लोग कान खोल के सुन लो, उसके कॉपीराइट्स, लव राइट्स, नाउ राइट्स, टोटल वर्ल्ड राइट्स सिर्फ मेरे हैं। अगर किसी ने घूर के भी देखा तो आंखें निकाल डालूंगी। हाँ। उसकी बात को समझ में आई कि उसने कैंची क्यों मंगाई थी? इतनी देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आई? सुनो जी, कम से कम उसकी सहेलियों को फोन करके तो पता करो कि हमारी अरुणा है कहाँ। ये कल अमेरिका जाने वाला, तुम चुप ही रहो। मेरे चुप होने से कुछ नहीं होगा, ये जो लड़की देखने आए हैं ये चुप नहीं रहेंगे। मेरे बारे में ही नहीं, हम दोनों के बारे में बोलकर पूरे अमेरिका में ढिंढोरा पीट देंगे। सुनो जब मुझ पर गुस्सा करते थे तो अपनी मुझे ऐंठते थे, अब तो तुम्हें मुंडवानी करो। अच्छा तो हम चलते हैं। एक मिनट बैठिए, वो आई रहने दीजिए। वो आई भी और हमें बता के चली भी गई। आपकी बेटी तो पहले ही किसी और से प्यार करती है, हमने तो सोचा था आप नेक इंसान होंगे। यही अमेरिका होता 3 करोड़ का मानहानि का दावा करता। चल बेटे। अरुणा ये क्या ड्रामा है? मैंने क्या किया डैडी? तो फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? मैंने सच्ची तो बताया है। हाँ डैडी, वो सच्चाई क्या है? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी, यही तो बोला मैंने। कौन है वो लड़का? आहा, इतनी इम्पोर्टेंट बात किसी ओकेशन में बोले तो ही अच्छा लगता है। कल उसका बर्थडे है, मैं कल ही बताऊंगी। पहले आप अपने दामाद को हैप्पी बर्थडे कहना, तभी उनकी पत्नी के नाते मुझे बहुत खुशी होगी। आहा ये औरंगजेब के जमाने की है या बाबा आदम के जमाने की है? हाँ माथे पे टीका है, इसका मतलब ये है कि लड़की है। ये लड़की की मूरत नहीं रे, लड़के की मूरत है। सही से समझा दो। यही तो समझ में नहीं आ रहा था। तुम आधी रात में? बहुत टायर्ड हो गई हूँ। ए, 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 ए। आहा मेरे पिताजी ने मेरी शादी की बात चला के लड़के वालों को घर पे बुलाया हुआ था, मैं उनको मना करके यहाँ भाग कर आ गई। ये हॉस्टल है, लड़कियों का ना मना है। ऐसा करूंगी तो ही हमारी शादी होगी। तुम्हारे पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई तो जेल में हम लोग चक्की पीसते हुए दिखाई पड़ेंगे। हे तेरे पास में वो है ही नहीं। क्या बुद्धि, मिडनाइट में आई हूँ तेरे भैया के लिए आई हूँ, जरा बिरयानी बिरयानी नहीं ला सकता है क्या? हेलो तुम्हारी मिडनाइट फैमिली के लिए बिरयानी लाने वाला मैं कोई नौकर नहीं हूँ। क्यों तेरे पास नहीं है? क्या टाइम सेंस, तुझसे बोले हुए कितनी देर हो गई है, तू अभी भी यही खड़ा है? जा जा ना। अरे जा रहा हूँ ना। देर हो जाए कोई बात नहीं, आराम से आना। बड़ा आया कबाब में हड्डी। अरुणा मेरी बात सुन। आई एम वेरी टायर्ड। यहाँ बाथरूम कहाँ है? यहाँ नहीं, बाथरूम उधर है, उधर है। विवेक स्टॉप इट, स्टॉप इट। नो दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अरुणा बाथरूम उधर है, बाथरूम उधर वहाँ जाओ। कम ऑन खोलो रे। माय गॉड, जाओ नहा लो, बाथरूम वहाँ है, जाके नहा लो जाओ। जल्दी से मेरे कपड़े लाना, खाने का सामान भी और कूल ड्रिंक्स जरूर याद से। यार कुछ करना यार, सब मुझे ही लाना पड़ रहा है। रात में तो कुछ नहीं हो सकता है, कल सुबह तुझे इस झंझट से बचाने के लिए मैं एक जोरदार ट्रिक प्ले करके उसे उसके घर भेज देंगे। तू थोड़ी देर यहीं रह। लेडी इन फ्रेंड आउट, तेरी तो। हेलो, अरे मैं हूँ यार, मैं फोन पे अरुणा के बाप की आवाज में बात करूंगा, तुम फोन अरुणा को दो। अरुणा तुम्हारे पिताजी फोन पर हैं। पिताजी, उन्होंने कैसे जाना कि मैं आऊं? किसी ने बताया होगा, पहले बात करो, बात करो, बात करो। हेलो बेटी अरुणा, ये क्या बचपना है जो वहाँ चली गई? शादी करनी है तो सोच समझ के करो, इसके सिवा मैंने क्या कहा? ठीक है ठीक है, तुम्हारी शादी में मुझे कोई एतराज नहीं, तुम लड़के को लेकर आ जाओ। और सुनो बेटी, तुम्हारी दादी माँ बात करना चाहती है। बेटी, दादी माँ, ये तूने क्या किया अरुणा बेटी? अपनी बूढ़ी दादी पर थोड़ा तो तरस खा, जल्दी घर आ जा।
तेरे आते ही नमक मिर्च से तेरी नजर उतारूंगी, साथ में उस लड़के को भी लाना। हाँ थैंक यू डैडी, आप इतनी आसानी से मेरी शादी के लिए मान जाएंगे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपका फोन आते मैं कितनी खुश हो गई थी पता है? क्या मैंने तुम्हें फोन किया? हाँ, दादी जी ने भी मुझसे बात की। सुन मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, मैं किसी को फोन वगैरह नहीं करती हूँ, ऐसे में मैं तुझे फोन क्यों करूँगी? सुनिए, आपने फोन नहीं किया ये भी सच है, इसको फोन आया ये भी सच है। आप दोनों की आवाज में अपने फ्रेंड से मिमिक्री करा के आप फोन पर बात कर रहे हैं, इस तरह से अरुणा से मैंने ही बोला था। आई एम सॉरी अरुणा। क्या कहा तुमने? मिमिक्री करवाई थी? यानी डैडी ने फोन नहीं किया, ऐसा क्यों किया तुमने? और नहीं तो क्या, नहीं तो तुम हॉस्टल से आती? तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही मैंने ये ड्रामा किया। इसे हॉस्टल से बाहर लाने के लिए लो मिमिक्री की, और हॉस्टल से यहाँ लाने के लिए मेरी मिमिक्री की, सबका सब ड्रामा। तुम्हें हॉस्टल से बाहर लाकर सारे आम लोगों को दिखाया, तुम्हें पास में रखे इसने कुछ बेहुदा फोटोज भी निकाली होंगी। तेरी बेटी को मेरे सिवाय कोई नहीं अपनाएगा, मुझे दे दे या फिर मुझे पैसा दे, जायदाद दे या तेरी इज्जत नीलाम कर दूंगा। इस तरह मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुझे यहाँ लाया होगा। मिस्टर सुभाष गौड़, यस, अगर ऐसा सोचा होता तो मैं अरुणा को यहाँ लेकर नहीं आता, इससे शादी कर गई मैं आपसे फोन पर बात करता और आपको सर झुकाने जैसा बना देता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बेकार में मुझे लेकर आ गए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो चलते हैं। कहाँ जा रही है? डैडी शट अप, तुझे मार कर मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन उसके साथ जाने नहीं दूंगा। मरने मारने का छोड़कर बचाने की सोचो, वही जिंदगी है। एक दोस्त के लिए जो एक दोस्त करता है वही मैंने किया, अब इसका भविष्य कैसा होना चाहिए इसका फैसला आप खुद ले लीजिए। डैडी चाहे कुछ भी हो जाए मैं विवेक के साथ, मैं नहीं मानूंगा। अपने लाइफ की डिसीजन के लिए मुझे आपके परमिशन की जरूरत नहीं। मेरी प्रेस्टीज के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। आई डोंट केयर, यू हैव टू केयर। तुम अभी ना समझो, वो भोला बनकर तुमसे प्यार का नाटक करके मेरी सारी जायदाद का हकदार बनना चाहता है। ब्लडी रोग, माइंड योर टंग। हमारी शादी के बाद उसने सामने से आकर शादी क्यों की, किस लिए क्यों, ऐसे हजारों सवाल पूछे। तो फिर एक बात बताइए, क्या क्या आपने उससे प्यार नहीं किया? नहीं, वो मेरे लिए एक दोस्त के सिवाय और कुछ नहीं थी। पगली थी, लेकिन वो आज भी आपसे बहुत प्यार करती है। अपने पति की प्रेमिका के बारे में जानने की इच्छा रखने वाली तुम पहली हो जो मैं देख रहा हूँ। माते वो कौन है ये जाने के बाद और भी भयानक रूप से वो क्या करने वाली है मैं इस बात से अनजान हूँ। ऐसी हालत में अब तू ही हमारी रक्षा करना माई। अपने स्वार्थ में जीने वाले भूत प्रेतों में कोई महाशक्ति नहीं है, केवल प्रेम शक्ति का प्रलय सृष्टि धर्म से बढ़कर होता है। दैविक शक्तियां भी उसके सामने विफल हो जाती हैं। उसका जीवन कहां समाप्त हुआ यदि जान लोगी तो उसका प्रेम कितना शक्तिशाली है स्वयं जान जाओगी। उसमें जो अभिमान था उसके कारण वो कुछ भी पाने के लिए आखिरी क्षण तक लड़ेगी। वो तो नहीं है बहन जी। कहाँ गए वो? अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं जी। मर गई है ये भी नहीं जान पाई थी, जानने पर सहन नहीं कर पाई, चीखी चिल्लाई,
वो लड़की अभाग्यवती रही, क्योंकि इस जन्म में भूमि के ऐसे मुहूर्त में पैदा हुई कि मरने पर प्रेम के लिए अरुणा की आत्मा भटक रही है। शिव की तीसरी आंख से और दिव्य शक्ति से भी प्रेम शक्ति बहुत बड़ी है। मृत्यु से यदि अपनी आयु को सीमित रख ले व आत्मगामिनी बने तो शिव भी उसके प्रेम के आगे विवश होंगे। उस शक्ति से रक्षा करने की शक्ति क्या माँ के पास नहीं है? वो शक्ति किसी में भी नहीं है, उसे केवल तू ही रोक पाएगी। उसके लिए देवी माँ तेरे साथ होगी। हर एक क्षण तू ये धागा पहने रहना, यही उसका रक्षा कवच है। बेटी विजया, माई आप अच्छी है ना? क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटी, विवेक के पास आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कोई लड़की आई थी और वो उसे पत्थरों की खान की तरफ ले गई है। कोई लड़की? यही तो मैं बताने आया हूँ। बेटी, बेटी विजया। रुक जा भवानी, इस गांव से तुम बाहर नहीं जाओगी, तुमने ऐसा वचन दिया है, भूल गए क्या? तुम यहाँ से कहीं बाहर गई तो यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। यहाँ क्यों लाई हो? ये हमारी दुनिया का आखिरी किनारा है, तुम इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हो विवेक? अगर तुम हो कौन? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? एनी प्रॉब्लम? बोलो, एनी प्रॉब्लम? कलश भगर प्रणव स्वरूपा लक्ष्मी नरसिम्हा, और भस्म करे पापी को तेरी ज्वाला नरसिम्हा। श्री कलश भगर प्रणव स्वरूपा लक्ष्मी नरसिम्हा, और भस्म करे पापी को तेरी ज्वाला नरसिम्हा। कर दे कृपा आदर्शन दे नरसिम्हा। श्री कलश भकर प्रणव स्वरूपा लक्ष्मी नरसिम्हा, और भस्म करे पापी को तेरी ज्वाला नरसिम्हा। शांति शांति, मनुष्यों के अंदर ये विकृत द्वेष ना हो उसके लिए कल्याण नरसिम्हा ने मुझे यहाँ भेजा है। इसीलिए तो उस याद ऋषि ने तपस्या की थी। ओम लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। मैं धन्य हो गया महादेव। याद ऋषि महामुनि, स्वामी तुम्हारी तपस्या से ये पवित्र स्थान यादगिरी के नाम से और तेरा कुल श्री नरसिम्हा का आशीर्वादित वंश कहलाएगा। धन्यवाद स्वामी। जन जन में कण कण में फैली है नरसिम्हा तेरी महिमा, तेरी दया तेरी करुणा की है कोई नहीं जग में सीमा।
पर्वत के जैसा ही विशान नरसिम्हा लगता है तू। अरे दुख में घिरे भक्तों पे दया नरसिम्हा करता है तू। सुख और शांति से तू भर दे ये दामन प्रभु। सुख और शांति से तू भर दे ये दामन प्रभु। नमो नमः नमो नमः नमो नमः है जग के दाता जगत विधाता जन कल्याण करो। गोपुर सलो न लगे तेरा स्वर्ण ये दिव्य चक्र है। मंगल दीप से सजता रहे महाकाल चक्र है ये। श्री कलश भकर प्रणव स्वरूप लक्ष्मी नरसिम्हा और भस्म करे पापी को तेरी ज्वाला नरसिम्हा। स्वामीनाथ के दर्शन पाके विष्णु कुंड में स्नान करे वो महावीर सब कष्ट हरे और जीवन का उत्थान करे। है संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट दूर करे। जो अहंकार मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को चूर करे। आस्था के पास पेटी का है वो ऊंचा गगन। तेरी आस्था के पास पेटी का है वो ऊंचा गगन। नमो नमः नमो नमः नमो नमः है गदाधारी है पवन पुत्र बजरंग बली। हे महादेवा सुनो श्रीहरी दे दो दर्शन दो घड़ी। कोटि कोटि है प्रणाम तुम्हें महारूप में है तू। श्री कलज भगर प्रणव स्वरूपा लक्ष्मी नरसिम्हा और भस्म करे पापी को तेरी ज्वाला नरसिम्हा। और पिशाच को तू एक पल में नाश करे। हृदय से जो भी तुझको माने उस हृदय में तू वास करे। दीन और निर्बल को जो लूटे उस पे अत्याचार करे। उस पापी के सर पे उस पल तेरी कदा प्रहार करे। दुष्ट को वध कर नरसिम्हा पाप अंत कर नरसिम्हा शांत कर नरसिम्हा। श्री कलश भकर प्रणव स्वरूपा लक्ष्मी नरसिम्हा और भस्म करे पापी को तेरी ज्वाला नरसिम्हा। इस धूप के सामने को भी नहीं टिक पाया है।
तो तू कैसे टिक पाएगी? उसे वश में करने के लिए यज्ञ करना होगा। तुम लोग जाओ। भूत प्रेत विनाशाय श्री ज्वाला नरसिंहाय नमः, श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, श्री योगा नरसिंहाय नमः, श्री गंडाचेरुंग नरसिंहाय नमः, श्री रुद्र नरसिंहाय नमः। भूतप्रेत विनाशाय श्री ज्वाला नरसिंहाय नमः, श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, श्री योगा नरसिंहाय, श्री उग्र नरसिंहाय नमः। उसे ले जाकर गांव के बाहर जो शमशान घाट है वहां गहरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर इसे दबा देना। उसके बाद आ जाना। जब तुम वहां से वापस लौटोगे तो बुरी बुरी आवाजों में दुष्ट आत्माएं बुलाएंगी। वो भले ही विकृत शब्द बोलें या भयंकर दृश्य तुम लोगों को दिखाएं, पीछे मत देखना। यदि ये नारियल फूट गया तो प्रेत आत्मा और क्रोधित होगी। सावधान रहना। अब जाओ। आजा, आजा। तूने देख लिया, अगर इस समय मैं नहीं आता तो तुझे जमीन में गाड़ दिया होता। मैंने ही उस पेड़ पर तंत्र मंत्र की विद्या से तेरी रक्षा की। रक्षा क्यों की? नहीं जानती क्या? तेरी आत्म शक्ति मुझे चाहिए इसलिए। अपने प्रीतम को पाने का तेरे पास अब एक ही मौका है। वो छुटका स्वामी कितना शक्तिशाली है ये तू अब जान गई होगी। जब तक वो उस घर में है तू कुछ नहीं कर सकती। तेरी शक्ति और मेरी शक्ति मिलने पर ही उसे उस घर से निकाल पाएंगे, वरना तेरा उससे मिलन कभी नहीं होगा। यही तेरे लिए आखिरी मौका है, सोच ले। अच्छी तरह सोच ले। Thank you.
बहुत ही समीप आ पहुंचा है। कल विवेक के दशा चक्र में अंतिम गंड प्रवेश करने वाला है, इसलिए बहुत सावधान रहना होगा। इस संकट की घड़ी को दूर करने के लिए श्री नारायण के महामंत्र का आवाहन करके मृत्यु दिग्बंधन रच के रक्षा चक्र में बैठाना होगा। चलो भाजा, चल देख क्या रहे हो, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, चल जाओ, निकलो बाहर, सुनाई नहीं दे रहा क्या, बाहर निकलो। अब एक पल भी यहाँ रुका तो मुझसे बुरा कोई नहीं, चलो निकलो, एक गुट, चल, निकल कर, चल। देव का समान स्वामी का अपमान करना उचित नहीं। किसी भी रूप में स्वामी का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। ये कोई स्वामी नहीं है, मंत्रवादी है। इसके घर में आते घर का सर्वनाश हो गया। इन लोगों के ऊपर तुम्हारे अंधविश्वास को देखकर तो मेरा तो सिर ही फटा जा रहा है। hey, अब जरा सी देर यहाँ और रुके तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। जाओ जाओ। ये तुम्हारे पाप नहीं है, ये तुम्हारे श्राप है। कोई एक विकृत शक्ति तुमसे ये सब कार्य करवा रही है। देखिए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये विधि का विधान है। यदि ये बुलाएंगे तो आएंगे, बाहर भेजे तो बाहर जाना होगा। विधि जब विकृत रूप ले ले तो विश्व रूप ही बदल जाता है। अब चलो। सुनो, अगर दोबारा मैंने तुम लोगों को इस घर में देखा तो मैं इसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। जाओ, गेट आउट। बहुत खूब। कितना बढ़िया ड्रामा लिखा है तूने तांत्रिक। अगर तूने फिल्म की कहानी लिखी होती तो तुझे ऑस्कर अवार्ड मिल गया होता, नहीं तो अपने भूतों को भेज के खुद ही हासिल कर लेता। अरे 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 अरे, शाबाश। मुझे माफ कर देना, आज के दिन उसकी आयु समाप्त होगी और आज के दिन ही मैं इस दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त होकर, नहीं उसे भी मुक्त करके मैं अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी प्रेम शक्ति के साथ क्षुद्र शक्तियां भी मिल गई हैं। अब कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकेगी, नहीं रोक सकेगी, नहीं रोक सकेगी। दिव्य शक्ति भी नहीं, नहीं रोक सकेगी। असुरा, असुरा, अघोरा, वगरा, झंझरा, अरे तू है कौन, हमारे घर में घुसा चला आ रहा है? कौन है ऋतु, तू कौन है? अरे अरे रे रे रे, मुंह संभाल के बात करना। इस घर के भूतों को भगाने के लिए आया हुआ भूतों का भूत तांत्रिक है। बुरा मत माना, ये लोग नादान है, नहीं जानते हैं। क्या हुआ तुम्हें, भूत भूत बोल रहे हो? सुनो विवेक बाबू, किसी दुष्ट आत्मा के जाने के बाद वो अपने साथ में हजारों भूत लाई है जो बल्लियों में लटक रहे हैं। उन्हें वश में करने के लिए ही इन्हें बुलाया है। पहले उसे यहाँ से बाहर निकाल। देख लो, यहाँ अलग अलग जाति के भूत नजर आ रहे हैं, पूरे घर की बलि चढ़ाने वाले हैं। कुछ सुना? ऐ, कुछ सुनाई दिया? अब कोई आवाज सुनाई दी? सुनिए, सिर्फ आज के दिन मेरी बात मान लीजिए, अब कहीं मत जाइए, आज के दिन अब घर में ही रहिए, बस मेरी बात मानिए। ये क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो? जब मैं किसी की बात नहीं मान रहा हूँ तुम्हारी बात कैसे मानूंगा? तुम जानती हो मैंने उनको भी निकाल दिया था। वही तो, हजारों भूत तुम्हारे मांग की सिंदूर में दिखाई दे रहे हैं। पानी जब गले तक आ जाता है तो समझौता करना ही पड़ता है। चलो अंदर, चलो चलो, अगर मेरी बात मानो मेरी बेटी। अरे अंदर ले चलो, चुप रहे, अंदर दरवाजा बंद करो भवानी बाबू, दरवाजा बंद करो। हाँ चलो।
तुम है सब पता चल जाएगा। सुनो, तुम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारे पर कोई विश्वास है, बस उसके ऊपर गुस्सा है और कुछ नहीं। आखिर ये सब हुआ कैसे? पहले तुम उसे ठीक करो, उसके बाद ही मैं विश्वास करूंगा। ठीक है, तुम अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए जो मंत्र मैं बोलता हूँ वो बोलो। सुनिए, आप मेरी बात मानिए, आप ऐसा मत कीजिए। अरोरा अप्रदा, अरोरा अप्रदा। रुक्षिका भरा कर्षा, रुक्षिका भरा कर्षा। विलुड़ी धुमा के प्रवेशा, विलुड़ी धुमा के प्रवेशा। क्या हुआ यार, ये क्या हाल बना रखा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? वहाँ भाभी को कमरे में बंद करके रखा है और यहाँ पे तू मंत्र पढ़ रहा है? कुछ बोलना यार। अरे 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 अरे, लगता है सॉलिड भूत को छोड़ दिया है तूने तांत्रिक, अब ये शादी से इनकार नहीं करेगा। राजा, मैं राजा हूँ, अरे महाराज हूँ, महाराजा है। ये पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा? अरे भैया, राजा मैं राजा, मैं तुमको शादी करवाऊंगा, शमशान में करवाऊंगा। कोई मनुष्य हो तो नहीं है बोलना, विलन हो तो मर गया बोलना। अरे बनकर ढोल फट गया। विवेक, आहा, मेरी इच्छा पूरी होने में अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। जो मैं कहूंगी करोगी? तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकर जा, अब तेरे लिए कोई रुकावट नहीं है। उसके मरने के बाद जो आत्मा निकलेगी तो तुम दोनों की आत्माओं को मेरे पास आना होगा। उन्हें छोड़ दीजिए, मेरे लिए प्रचंड कार्य करने होंगे, प्रलय लाना होगा, परमात्मा बनना होगा। कुछ मत करिए, अब तुम्हें कोई दिव्य शक्ति भी नहीं रोक पाएगी। ले जा, ले जा, ले जा, दिव्य शक्ति भी तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। ले जा, हो गया। तेजस्वनी अंबिका शीघ्र आ, श्रीलंका की देवी शंकरी तो भी आ, ज्वालामुखी रूपी वैष्णवी ज्वाला के सागर को संगला।
तेरी शक्ति कहलाती ओम शक्ति सुर शक्ति पर शक्ति तत पर परा शक्ति जग चालिनी है तू पीड़ हारिनी है तू दुख तारिनी है तू है महाशक्ति तू है शिरा वाली तू दस भुजा वाली है दस भुजाओं में ये दीप मंगल के तू माँ पतिता है तू माते पिता है तू है ज्वाला इससे कहां कोई है बचने वाला है दस अवतारों में अवतार एक नरसिम्हा अवतार है तू ही नरसिम्हा का अवतार नरसिम्हा का अवतार नरसिम्हा का अवतार नरसिम्हा का राजा आज्ञा करो देवी वो दुर्मार्गी दिव्य शक्ति को ललकार के प्रेत शक्ति को बढ़ा रहा है उस दुष्ट को भूगर्भ में समाने के लिए तुम्हें सहायता करनी होगी ये नरसिम्हा का वच तुम्हें स्वयं विजया को ले जाकर देना होगा नागराज ऐसा ही होगा देवी तुम्हारे पति को अरुणा की आत्मा मृत्यु लोक ले जा रही है उसे रोकने की शक्ति क्या किसी में भी नहीं है नागराज वो क्षुद्र तांत्रिक अरुणा के साथ है मैं ये पवित्र रक्षा बंधन देवता गणों के पास से लाया हूँ ये लो नरसिम्हा रक्षा ये तुम अपने पति के हाथ में बांध दो तो वो अरुणा से मुक्त हो जाएगा जाओ जल्दी आओ विवेक Yeah.
असरा, पता चला नाग शक्ति क्यों भेजी गई है? नरसिम्हा राशि को उजागर करने के लिए। राशि चक्र में तेरी प्रेत शक्ति विफल होके समाप्त हो जाएगी, लेकिन दिव्य शक्ति के सामने भूत शक्ति भी किसी से कम नहीं है। तेरी आत्म शक्ति को मुझ में मिला के मेरी शक्ति दिव्य शक्ति से भी भारी बन जाएगी, तभी तेरी इच्छा पूरी होगी। सूर्यास्त से पहले ही तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब कुछ सोचो नहीं, आके मिल जाओ। आ आ, सोचने का समय नहीं है, आ। प्रेत आत्मा में मिलने से तेरी आत्म रक्षा होगी। तुझे उसकी आत्मा चाहिए तो आ आ, उसे वश में करने की शक्ति मेरे पास है। तेरे लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है, आके मिल जा। आ
प्रेम सदा प्रेम के प्रति ही फलना चाहिए, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। शुद्र शक्ति का उपयोग करके तूने बड़ी भूल की है। भस्म होके मरना अर्थात दक्ष यज्ञ में दाक्षायणी आहुति अर्थात लोक कल्याण के लिए और प्रेम के लिए था, ना कि प्रतिशोध के लिए। तू ये लोक छोड़ के चली जा, अगले जन्म में ये प्रेम सफल हो पाएगा। जा। मैं विवेक को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं किसी भी हाल में रह लूंगी, पर उसके पास रहना चाहती हूँ। मैं उसके आखिरी सांस तक उसके कदमों में रहना चाहती हूँ। मैं उसके कदमों में रहूं, ऐसा कोई वरदान दे दो मुझे। मुझे कुछ भी बना दो, मेरे प्रेम को साकार बना दो देवी। मुझे कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो मुझे। विजया, विजया, उठ। तेरे सारे संकट इस पौधे में परिवर्तित हो गए। और वो तांत्रिक नरसिम्हा के क्रोध में जलकर पूरी तरह भस्म हो गया। अब कोई भी शुद्र शक्ति तेरे पास नहीं आएगी, तेरे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। ये पौधा तेरी खुशी के लिए हर रोज एक फूल देगा। प्रतिदिन अपनी खुशी के लिए इस पौधे को नमस्कार करना। इससे खुशहाली तुम दोनों के बीच सदा छाई रहेगी बेटी।